8.2 हमने कंप्लीट कर लिए, 8.1 और 8.2, 8.3 और 8.4 जो है वो टोटली ग्राफ से रिलेटेड है। अगर आप लोगों के पास ग्राफ पेपर आएगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि उसमें पॉइंट सारे ड्रॉ करने हैं, तो वो नॉर्मल जब ड्रॉ करोगे तो एस्टिमेशन ही कर सकते हो। और वैसे भी मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ ग्राफ वाले सवाल नहीं करो, टाइम जाया होता है, लेकिन इंशाल्लाह मौका मिला तो उन दोनों एक्सरसाइज को भी कवर कर लेंगे। जितना पार्ट हमने पढ़ना था पढ़ लिए, वो आगे के चैप्टर्स में हमें काम आएगा। अच्छा जी, अब एक और चैप्टर है, ये 9 चैप्टर है, जो पहले आप लोगों के फर्स्ट ईयर लेवल पे नहीं हुआ करता था पुरानी बुक के अंदर। ये टॉपिक जो है ये पंजाब बोर्ड के अंदर होता था, आप लोगों के बोर्ड में ही होता था, लेकिन ये भी आप लोगों को डाल दिया। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस के लीनियर इनक्वालिटीज आप लोगों को सॉल्व करनी आनी चाहिए। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग का जो पोर्शन है वो भी अच्छा ही है, यूनिवर्सिटी में भी आपको कुछ कोर्सेज में नजर आएगा ये वाला टॉपिक। सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। जो आप लोगों के चैप्टर का नाम है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से। अब प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स है उनकी पावर 1 होनी चाहिए, तो फिर आप लीनियर का वर्ड यूज करते हो। और प्रोग्रामिंग क्या है, देखो प्रोग्रामिंग किसी भी चीज की जब आप करते हो ना, तो आप लोग ने जो इस किस्म के सवाल करने हैं इसमें होगा ये कि आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी। वो सिचुएशन ये हो सकती है कि मिलफर्स आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हो, बुक में एग्जाम्पल भी लिखी नहीं है, आपके पास 2 रॉ प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल। एक रॉ प्रोडक्ट जो है कंसिडर कर लो वो अच्छा है। रॉ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ चीज बनानी है उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, तो रॉ प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं कि रॉ चाहिए, रॉ मटेरियल है उससे आप प्रोडक्ट बना रहे हो। तो कंसिडर कर लो 2 रॉ प्रोडक्ट है ए और बी। एक को आप बोल दो कि यार वो अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन वो कॉस्टली है, दूसरा जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन कॉस्ट के हिसाब से वो इफेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे हल चाहिए, ऑप्टिमल हल चाहिए, कि यार अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट चूज कर लूँ जो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो जो से फाइनल मेरे पास प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उसकी क्वालिटी कैसे होगी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे आप एक रूम ओपन करना चाह रहे हो, आपने एक स्टोरेज स्पेस बनानी है, बुक में भी एग्जाम्पल लिखी है, तो आप ये मालूम करना चाह रहे हो कि यार मैं कौन सी इसमें टेबल या कौन सी मैं इसमें अलमारी रखूं या क्या सेटअप रखूं कि मेरे पास जो चीज मैंने स्टोर करनी है वो मैक्सिमम उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो या तो आप चाह रहे होते हैं कि कोई चीज मैक्सिमम हो उसके अंदर, जैसे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और कोई चीज का भी आप चाह रहे होते हैं कि वो मिनिमम हो, जैसे आपकी कॉस्ट जो है, जो आप चीज ओपन कर रहे हो, कुछ भी आप सेटअप करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी कॉस्ट जो है ये मिनिमम हो। तो होता है कि जो आपके प्रॉब्लम होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन को आप एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन देखोगे। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो क्वांटिटी एक्स है, ये आपके पास 1000 क्वांटिटी है, 1000 से ज्यादा नहीं है, उसका मतलब कंसीडर कर लो अगर वो एक्स को रिप्रेजेंट करे तो आप बोलोगे एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1000, कि आप 1000 से कम या 1000 ले सकते हो, उस क्वांटिटी को 1000 से ज्यादा नहीं है। तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है, ये आपकी लिमिटेशन है। तो जो लिमिटेशन होगी ना उसको आप इनइक्वालिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, या तो आप मिनिमम चाहते होगे या आप मैक्सिमम चाहते होगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना इसको आप कहोगे लीनियर प्रोग्रामिंग। ये पूरी प्रोग्रामिंग चल रही है और लीनियर का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, इसमें जो आपके पास लिमिटेशन होंगी वो देखना उसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होगी, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे। ये करने से पहले, ये जो पूरी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए, वर्ड प्रॉब्लम जो बताए हैं, इनको सॉल्व करने से पहले आपको लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको सॉल्व करना अगर सॉल्व करना आता होगा आपको, इसी तरह आपको इनके ग्राफ बनाने आते होंगे, तो फिर जो बाकी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकोगे सही तरीके से। ठीक है, तो हम फिलहाल लीनियर प्रोग्रामिंग का पोर्शन साइड पे करते हैं, हम जो लीनियर इनइक्वालिटीज है ना उस पे जरा आते हैं और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज। अच्छा, कुछ आपने सॉल्व किए हैं, जो 8 चैप्टर था उसमें आपने कुछ काम कर चुके हो, बाकी थोड़ा मजीद डिटेल में हम देख लेंगे। जो वर्ड लीनियर है ना, मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, चाहे एक वेरिएबल हो या चाहे 2 वेरिएबल हो, उनकी पावर 1 होगी तो आप उसको लीनियर बोलोगे, अगर पावर 2 होगी तो आप क्वाड्रेटिक बोलोगे, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, अगर पावर 3 होगी तो फिर आप क्यूबिक बोलोगे। ठीक है, तो लीनियर का वर्ड वो है। इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा आपकी इक्वेशन अगर एक वेरिएबल के अंदर है या आपकी इक्वेशन बिल्कुल 2 वेरिएबल के अंदर है, तो दरमियान में इक्वल का साइन आता था। इधर भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है, अब उस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है, जैसे यहाँ पे 3 मौजूद है, नीचे में भी आपके पास 3 मौजूद है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को जो चीज कनेक्ट कर रही है वो इक्वल साइन कनेक्ट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आप बोलते हो ये इक्वेशन है। अगर इनको कनेक्ट करने वाली चीज इक्वल ना हो, ये चीज हो या बिलफर्ज अगर ये हो, इसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, चार होते हैं ना,
ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। तो ये जहां पे आ जाए ना, तो फिर अब आप इक्वेशन का वर्ड यूज नहीं करोगे, आप इन इक्वालिटीज का वर्ड यूज करोगे। इक्वल का केस नहीं है ये, इक्वल होता जब दरमियान में इक्वल का साइन आता ना, इक्वल तो नहीं आ रहा, इसका मतलब आप बोलोगे इन इक्वालिटीज। ठीक है, अब वो चार किस्म की आ सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को वर्ड का मतलब बता दिया, लीनियर जिसमें वेरिएबल्स की पावर वन होगी, और इन इक्वालिटीज का मतलब वहां पे इक्वल साइन नहीं होगा। ये चार किस्म के आपको रिलेशनल ऑपरेटर नजर आएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो आपको लीनियर इन इक्वालिटी में मिलेगा। अच्छा उसके बाद एक काम किया करो, आप लोग में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको मैं को होस्ट बना दिया करूं, क्योंकि बार बार स्टूडेंट आते रहते हैं, मुझे बार बार उनको ऐड करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, ऐसा आप लोग में कौन से, बिलाल को मैं बना देता हूँ, या कौन आया हुआ अभी जो मुस्तकिल रहे क्लास में, छोड़ के ना जाए। ठीक है बिलाल, मैं तुम्हें बना रहा हूँ, छोड़ के नहीं जाना अपना, तुम्हारा काम ही होगा। फिलहाल अभी तो स्टूडेंट आ गए सारे के सारे, लेकिन काम ही होगा कि जब कोई स्टूडेंट आएगा ना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा कि ये बंदा एंटर होना चाह रहा है, तो तुम उसको एडमिट कर देना, ताकि मैं सुकून से क्लास में मुझे डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है सर। अच्छा तो आपके पास सवाल क्या आएगा, सवाल आपके पास आएगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करो लीनियर इनइक्वालिटी को। अब लीनियर इनइक्वालिटी बच्चों दो किस्म की हो सकती है, एक तो वन वेरिएबल के अंदर होगी और दूसरी जो है वो दो वेरिएबल के अंदर होगी। जरा इनके सॉल्यूशन में फर्क क्या होगा, पता स्टूडेंट आया हुआ अभी, बिलाल नजर आ रहा है आपको? जी एडमिट कर दिया। ना बस सही, चलो ठीक है सीख दो। अच्छा दो किस्म के मैंने आप लोगों को बताया ना, एक में तो एक वेरिएबल आ रहे हैं और दूसरे में दो वेरिएबल आ रहे हैं। इनके सॉल्यूशन में फर्क क्या होता है, ये जो एक वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी होती है ना, इनके सॉल्यूशन में इनका जो सॉल्यूशन होता है उसको आप जो प्लॉट करते हो वो नंबर लाइन के ऊपर करते हो, जो मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि बिल्फर जी इनइक्वालिटी आपके पास लिखी हुई है एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लो कि अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखी हो फॉर एग्जाम्पल टू इज ग्रेटर देन वन, हम बोलते हैं कि सिंबल जो है ग्रेटर का है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, हालांकि आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो कि वन इज लेस देन टू, तो क्या अभी सिंबल लेस का बन जाएगा, टू इज ग्रेटर देन वन, या आप बोल सकते हो वन इज लेस देन टू। तो कहने का मतलब ये सिंबल आप इसको ग्रेटर ही बोलोगे, ये ग्रेटर का सिंबल है। क्यों? क्योंकि आप इस सिंबल को डिफाइन करते हो लेफ्ट के हिसाब से, जो लेफ्ट में नंबर लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से आप इसको डिफाइन करोगे कि लेफ्ट में जो नंबर है जब ये साइन लिखा हुआ होगा तो आप बोलोगे वो नंबर ग्रेटर है। ठीक है, और अगर आपके पास ये चीज लिखी जाए तो अब आप इसको बोलोगे लेस देन का सिंबल। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट पे नंबर लिखा हुआ है आप क्या बोलोगे कि वन इज लेस देन टू, दैट्स व्हाई इसको लेस देन का सिंबल बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन का सिंबल बोलते हैं। लेफ्ट के हिसाब से हम इन सिंबल्स के हमें नाम रखते हैं, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल अगर आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जरा इसके वर्ड पे ध्यान देना क्या मैं बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये बातें इतनी बेसिक हैं लेकिन पता नहीं होती बच्चों को और बताता भी कोई नहीं है, तो जरा हम बेसिक बिल्कुल क्लियर करते हैं ना कि टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कि इन दोनों में से कोई एक बात भी ठीक हो जाए, या तो ग्रेटर देन वाली बात ठीक हो जाए या इक्वल वाली बात ठीक हो जाए, तो आप बोलोगे आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो अभी मैं बोलूंगा कि स्टेटमेंट ठीक है, क्यों? क्योंकि टू ग्रेटर होता है वन से, सही है। अगर बिल्फर्ज यहां पे मैं ये चीज लिखूं तो अब वन ग्रेटर तो नहीं है वन से, मतलब वन ग्रेटर तो नहीं होगा वन से, लेकिन आपको ये बात पता है कि वन इक्वल होता है वन के, इसका मतलब और का मतलब ये होता है, ये जो और लिखा होता है ना इसका मतलब होता है कोई एक बात भी ठीक हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है वन वन से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन वन वन के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब अब भी आप स्टेटमेंट को क्या बोलोगे, क्या ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत कब होगी, ये स्टेटमेंट अब गलत होगी। क्यों? जीरो ग्रेटर भी नहीं है वन से, जीरो वन के इक्वल भी नहीं है, तो अब आप क्या बोलोगे यार ये स्टेटमेंट गलत है, सही है। तो ये बेसिक सी बात आप लोगों को बतानी चाहिए। दोबारा इस पे आ जाओ कि अगर आपके पास एक वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी होती है ना, उसका जो सॉल्यूशन है वो आप नंबर लाइन पे लिखते हो। नंबर लाइन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, जीरो कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, ये थ्री है ना, तो थ्री कंसिडर कर लो यहाँ पे होगा कहीं। एक्स इज ग्रेटर देन थ्री का मतलब क्या है, सारे रियल नंबर जो थ्री से ग्रेटर हो, मतलब अब थ्री से ग्रेटर कितने रियल नंबर है, 3.1, फिर इस बनाते जाओ 3.2, फिर 4, 5, 5, 6, 7 सब आते जाएंगे, तो आप इन सब नंबर्स को एक नंबर लाइन के ऊपर लिखते हो इस तरह से। मैंने पहले भी बताया था अगर इक्वालिटी शामिल नहीं है, इसका मतलब है कि थ्री से बड़ा है, थ्री के बराबर नहीं है, थ्री से बड़ा है,
तो थ्री पे आप क्या करोगे, एक ओपन डॉट टाइप का बना दोगे, ठीक है। और थ्री से बड़े को कैसे लिखोगे, इस तरीके से आप इसको इस तरह लिखोगे कि थ्री से ग्रेटर, लेकिन थ्री शामिल नहीं है क्योंकि मैंने ओपन डॉट रखा है। बिल्कुल, अगर ये चीज होती मतलब मैं थ्री को इंक्लूड कर देता, तो अब मैं क्या करता, इसको फिल कर देता इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि थ्री भी शामिल है इसके अंदर, सही है। ज्यादातर नोटेशन तो इसकी यही होती है, लेकिन आपकी बुक वालों ने अजीब ही नोटेशन फॉलो किया जो मैंने आज तक देखी नहीं है कभी। उन्होंने ब्रैकेट वाली यूज किया, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था ना कि राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है वो नंबर शामिल नहीं है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो नंबर शामिल है। तो उन्होंने बोला कि अगर इस इनइक्वालिटी को आपने लिखना है ना, तो आप क्या करो, आप थ्री की जगह इस तरह लिखो, बिल्कुल कंसिडर कर लो, अगर ये थ्री है ना, आप थ्री को आपने अगर इंक्लूड करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, थ्री इंक्लूड है और थ्री से ग्रेटर सारे। और अगर थ्री इंक्लूड ना होता तो आप यहाँ पे क्या करते, राउंड ब्रैकेट लगा देते। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो मैं ओपन डॉट और फिल डॉट बनाता हूँ ना, उसकी जगह ना ब्रैकेट यूज की है, कि अगर वो नंबर शामिल नहीं है तो आपने राउंड ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे, और नंबर शामिल है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। लेकिन असल तरीका इसका डॉट वाला होता है, ये वाला तरीका पहली दफा बुक में मैंने देखा है, लेकिन मेंशन था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बिल्कुल, अगर ये उल्टा हो जाता इस तरीके से, x इज लेस देन 3, तो अब इसका मतलब क्या बनता, कंसिडर कर लो ये 0 है और ये 3 है। तो अब क्या करना है आपने, देखो इक्वालिटी शामिल नहीं है ना, इसका मतलब आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे, और राउंड ब्रैकेट का मुंह इस तरफ होगा, क्योंकि 3 से कम है ना, तो 3 से कम इस तरफ होंगे सारे के सारे। पहले था 3 से ग्रेटर, तो दैट्स वाई राउंड ब्रैकेट का मुंह उस तरफ था, ठीक है। ये करने के बाद अब आप इसको हाईलाइट कर दो, मतलब 3 से सारे कम, 3 से कम सारे ये होंगे ना, ये 3 से ग्रेटर वाला रीजन है और ये 3 से कम वाला रीजन है, आप इस पर राउंड ब्रैकेट लगा दो क्योंकि 3 शामिल नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं 3 को शामिल कर देता, इसका मतलब बनता है x इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप एक अदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते इस तरीके से। यहां तक मुझे बताओ, सबको समझ आ गई बात मेरी? यस सर। सबको क्लियर है? चलो अब मैं जरा एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, तब भी हम इसको देख लेंगे। ये जो दो वेरिएबल के अंदर है ना, इसमें एक मसला होता है, चलो मैं बाद में बताता हूँ, पहले एक वेरिएबल वाली देख लेते हैं, दो वेरिएबल वाली बाद में देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले लो यार, कुछ अगर काम की बात लगे। तो एक काम करते हैं, पहले ना इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने, किसी का सवाल है? अच्छा, इनइक्वालिटीज को ना सॉल्व करने का एक मैं तरीका आप लोगों को बताता हूँ, जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं है। अगर आपके पास ये चीज दिखती हुई हो, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है यहाँ पे x का आंसर क्या होगा? -3/2 से बड़ा, -3/2, और ये लगाऊं तो मैं एग्री करते हैं इस बात से सर, लेस देन आएगा। लेस देन क्यों आएगा सर? इनइक्वालिटी में माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर साइन चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बताया, और ये बात नॉर्मली बच्चों को पता नहीं होती, क्योंकि आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हुए आए हो। नॉर्मली हमने इक्वेशन में क्या पढ़ा था, अगर लिखा हुआ -2x = 3, हमें बचपन से बात बताई गई थी कि -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बताया जाता था। सबने इसी तरह मैथ सीखी है कि -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये तरीका नहीं होता, ये जुगाड़ है। असल तरीका ये होता है कि अगर आपको -2 को यहां से हटाना है, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो। ये असल जुमला है, ये असल मैथ है। तो आपने जुगाड़ रखी हुई कि वो चीज मल्टीप्लाई और ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। असल तरीका है कि अगर आपको -2 को हटाना है और -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो। -2/-2 ही कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स बचेगा और ये चीज हो जाएगी -3/2। ये इसका करेक्ट तरीका होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास लिखा हो x+3 = 4 फॉर एग्जाम्पल, तो हमें क्या बताया गया है कि 3 ऐड हो रहा है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। ये है जुगाड़। असल मैथ मुझे क्या कहती है, असल मैथ मुझे कहती है कि अगर मैं 3 को यहां से हटाना चाह रहा हूं, तो आप क्या करो, दोनों तरफ -3 कर दो, इधर भी -3 कर दो, उधर भी -3 कर दो। इसको हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ -3, ठीक है, क्योंकि मुझे इस 3 को हटाना है। तो इस 3 को मैं कैसे हटाऊंगा, ये प्लस के साथ लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 3 से, खत्म हो जाएगी बात। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 4-3, जिसके हमने जुगाड़ रखी हुई कि पॉजिटिव है तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये मैं बातें आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए
कि जो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का रूल होता है ना, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के रूल ये होता है कि आप इनइक्वालिटी में कुछ भी काम कर सकते हो। मतलब आप दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड करवा दो, जैसे हम यहाँ पे करवा रहे थे कि अगर मेरे पास इनइक्वालिटी भी होती तो आप ये काम कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड करवा दो, दोनों तरफ किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करवा दो, कोई इशू नहीं है। मसला इनइक्वालिटी को उस वक्त होता है जब आप दोनों तरफ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हो। अब अगर दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर आपने दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया है, जैसे इस वाले केस में फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है और आपको एक्स निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों तरफ मैं टू को डिवाइड करवा दूं, तो कोई इशू नहीं है। आप टू से डिवाइड भी करवा सकते हो, आप टू से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। मसला उस वक्त होता है जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हो, तो फिर आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाओ तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। उसकी रीजन क्या है, सिंपल से एक रीजन आपको बात समझ आ जाएगी। आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई, टू इज ग्रेटर देन वन, कंसिडर कर लो मैं इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं इसको फोर से मल्टीप्लाई करता हूँ इनइक्वालिटी को, तो फोर टू जा एट, फोर वन जा फोर, स्टेटमेंट ठीक है ना, बिल्कुल अभी भी एट इज ग्रेटर देन फोर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन कंसिडर करो मैं इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इसको माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस एट हो जाएगा, और इसको माइनस फोर से करो ये माइनस फोर हो जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, तो माइनस एट तो छोटा होता है माइनस फोर से, माइनस एट ग्रेटर कैसे हो सकता है माइनस फोर से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो स्टेटमेंट ठीक करने के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ता है। अगर ग्रेटर वाली थी तो आपको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, अब आपकी स्टेटमेंट ठीक होगी, माइनस एट इज लेस देन माइनस फोर। ठीक है, तो याद रखो जब भी इनइक्वालिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाओ तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये वो पहली सिचुएशन है जिसपे आपको साइन चेंज करना पड़ता है इनइक्वालिटी का। एक दूसरी सिचुएशन भी होती है जो मैंने चैप्टर एट में भी आप लोगों को बताई है कि आमतौर पर अगर इक्वेशन लिखी हुई हो तो हम इस तरह कर दिया करते थे कि अगर टू एक्स के बराबर है तो अपनी साली के लिए आप लिख दिया करते थे कि एक्स इज इक्वल टू टू। लेकिन इन इक्वालिटी में ध्यान रखना आता है, अगर लिखा हुआ टू इज ग्रेटर देन एक्स तो आप अपनी मर्जी से एक्स और टू की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, वो बात गलत हो जाएगी। ये स्टेटमेंट थी टू ग्रेटर है एक्स से, जबकि ये स्टेटमेंट बनेगी कि एक्स ग्रेटर है टू से, आपने स्टेटमेंट ही पूरी चेंज कर दी। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में स्वैप करना है तो फिर इन इक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। ये वो दूसरी सिचुएशन है जिस पे आप साइन चेंज करते हो। तो समराइज करता हूं मैं अपनी बात को, इनइक्वालिटी का साइन आप दो सिचुएशन में चेंज करोगे, एक उस वक्त जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, और दूसरा उस वक्त के जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में स्वैप कर रहे हो तो फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है सबको? तो आपकी बुक में पेज नंबर 268 पे सबसे पहले आपको लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बेसिक बेसिक सी बातें लिखी हुई है, अगर पेज 268 पे देखो तो आप लोग कर लेना, बहुत बेसिक सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर वन भी बहुत बेसिक सी है तो ये मैं करवा नहीं रहा, थोड़ी डिफिकल्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम थ्री लेते हैं, ये पेज नंबर 269 पे है, एग्जाम्पल नंबर थ्री, आपके पास एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है, टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर। सवाल क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, कि आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अच्छा, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो तीनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या, सबसे पहले तो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवा, टू को मल्टीप्लाई करवाओ टू एक्स हो जाएगा, टू को माइनस थ्री से करो माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि एक्स आपने एक तरफ करना है। अब अगेन आपको ध्यान देना, आप अपने हिसाब से लेफ्ट एंड राइट साइड चेंज नहीं कर देना। ठीक है, माइनस सिक्स को एक काम करते हैं इधर ही रहने देते हैं, माइनस फोर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो आप अपनी आसानी के लिए वो जुगाड़ याद रख सकते हो कि माइनस फोर है यहाँ पे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाके फिर ये हरकत नहीं कर देना, ये ना हो कि आप बोलोगे माइनस टू वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपको करेक्ट तरीका पता होना चाहिए कि माइनस टू वहां जाके डिवाइड नहीं हो रहा, बेसिकली आप माइनस टू को दोनों तरफ से डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज अगर आपको पता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आप अपने हिसाब से रख लो कि माइनस टू आगे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे मौजूद था थ्री एक्स, ये टू एक्स इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फोर माइनस सिक्स होता है बच्चों माइनस टू, और थ्री एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स के बराबर।
अब मैं एक्स पता लाना चाह रहा हूं ना, तो मुझे साइन भी चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये है बच्चों आप इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन मैंने बताया था तीन तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक ये तरीका है, आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन आपको बुक वालों ने बोला है कि आपने दूसरे तरीके से इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, किस तरह, नंबर लाइन से। तो जरा इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन। तो सॉल्यूशन कैसे हम लिखेंगे, एक अदद आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए, इसको जीरो कह देते हैं, ये है पॉजिटिव इंफिनिटी, ये है नेगेटिव इंफिनिटी। नंबर क्या है, माइनस टू, जीरो से पहले ही होगा ऑब्वियसली, कंसिडर कर लो यहाँ पे माइनस टू। अब इक्वालिटी आई भी है ना। अच्छा सबसे पहले सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू से कम कम या माइनस टू के बराबर। तो माइनस टू से कम ये वाला रीजन होगा पूरा, ठीक है। क्या माइनस टू इसमें शामिल है, बिल्कुल माइनस टू शामिल है। तो इसमें क्या लगेगी, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। और स्क्वायर ब्रैकेट का मुंह किस तरफ होगा, इस तरफ, सॉल्यूशन आपका इस तरफ लाई कर रहे हैं ना। तो या तो माइनस टू शामिल है या माइनस टू से छोटे सारे नंबर शामिल है, आप इस तरीके से एरो लगा दो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस टू और माइनस टू से छोटे सारे नंबर। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका जो अच्छा तरीका होता है वो ये है कि आप माइनस टू पे एक सही तरह डॉट बनाते हैं और फिर इस तरह एरो बना देते हैं। देखिए बुक वालों ने ये यूज किया था, आप इस तरह भी कर सकते हो। तो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक तीसरा तरीका था चैप्टर 8 में आप लोगों को बताया था, उसको आप कहते हो इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन क्या होती है कि माइनस, आप इस तरह लिखो इसको, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस टू। अगर आप देखो ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन स्टार्ट कहां से होता है, ये वाला रीजन स्टार्ट होता है नेगेटिव इंफिनिटी से, ठीक है। और एंड कहां पे होगा, माइनस टू पे एंड होगा। क्या माइनस टू शामिल है, बिल्कुल शामिल है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, अगर माइनस टू शामिल नहीं होता तो आप यहाँ पे क्या करते, राउंड ब्रैकेट लगाते। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, तीनों तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन बुक वालों ने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि नंबर लाइन से आपने लाजमी लिखना है, तो ये तो आपने करना करना है, बाकी तरीके आपकी मर्जी है तो लिख दो, ऑप्शनल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जो इंटरवल होता है ना, ये इंटरवल अगर आपने वर्ड देखा हो तो इंटरवल क्या होता है, बेसिकली दो नंबर्स के दरमियान सारे नंबर्स, इसको आप किसी लैंग्वेज में समझो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, माइनस इन्फिनिटी नंबर नहीं है, लेकिन एक तरह का आप समझ सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के दरमियान सारे नंबर, तो इनको हम इंटरवल बोलते हैं। तो उस इंटरवल को लिखने के तीन तरीके होते हैं, इस तरीके से आप लिख दो, इस तरीके से बना दो, या इस तरीके से लिख दो, सही है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 हो गई है। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका भी उन्होंने मेंशन किया है, ये जो चीज है ना, इसको इस तरह आप लिखो, मजीद इसको रिफाइन कर देते हैं, इसको रिफाइन करने का मजीद एक तरीका है, उस तरह लिख दो ज्यादा बेहतर है। वो क्या है कि एक सेकेंड आप लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट, और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस। इसलिए मैंने बोला है क्योंकि इस वाले नोटेशन में ना आपको नहीं पता कि एक्स क्या है, रियल है या क्या है, क्योंकि ये वाले नोटेशन नॉर्मली आप वहां पे भी यूज करते हो जब एक्स नेचुरल नंबर हो या एक्स होल नंबर हो, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि एक्स इज लेस देन टू, लेकिन एक्स है क्या, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस वाली चीज को अगर आप इस तरह लिखो तो मेक सेंस कर दिए बात। इस वाले नोटेशन में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर लाइन होती है इसका पूरा नाम होता है रियल नंबर लाइन, तो इसका मतलब ऑब्वियसली सारे रियल नंबर इसमें ऑलरेडी माने जाएंगे। इसी तरह ये जो नोटेशन है, मैंने पहले भी बताया था, इस नोटेशन का मतलब रियल नंबर ही होता है। इस नोटेशन का मतलब कहीं नहीं होगा कि माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के दरमियान सारे नेचुरल नंबर या सारे इंटीजर, ये मतलब नहीं होगा। इस नोटेशन का बाय डिफॉल्ट ही मतलब क्या है कि सारे रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के दरमियान। तो यहाँ पे आपको रियल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, तो इस तरह लिख दो और नंबर लाइन बना दो, दैट्स इट। अगर एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो तो इस तरह भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अच्छा तीन कॉन्सेप्ट, यहाँ चार चीजें लिखी हुई है, मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से किसको पता है किसको नहीं पता। ये चार चीजें मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं, इन चार चीजों को आप लोगों ने इस नोटेशन में बताना है। तो क्वेश्चन बता सकते हैं इस नोटेशन में क्या होगा, किस तरीके से बताओगे, चाहो पहले वाले से स्टार्ट करो, कोई स्टूडेंट जरा पहले का बताओ।
भाई इस फॉर्म में आपने बताना है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ था ना, इसको आपने इस फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो, तो इसी तरह ये चीज मैंने आपको दी हुई है, आपने इसको इस फॉर्म में बताना है। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बात बताइए भाई। आप देखो जो पहला नंबर होता है वहां से बात स्टार्ट हो रही होती है, तो स्टार्ट कहां से हो रही है, ए से, खत्म कहां पे हो रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी पे। तो ए से ग्रेटर सारे नंबर, ए से ग्रेटर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, इसको आप कैसे देखोगे, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। कोई और स्टूडेंट बताओ इसको कैसे लिखेंगे। बताओ यार जल्दी से, पार्टिसिपेट करो, बहुत बच्चों वाली चीज है, जल्दी जल्दी। मैं खामोश क्यों बैठे हो, जाहिर आप बताओ जल्दी से। सर इसमें तो ए भी शामिल नहीं है। हाँ ये सर। हाँ हाँ एक्स नहीं शामिल, ग्रेटर देन और इक्वल टू भाई इक्वल टू कहां से आ गया, नहीं शामिल ना, ये मैंने बताया, आपने खुद बोला है कि राउंड ब्रैकेट का मतलब ये शामिल नहीं है, तो इक्वल का साइन नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरा बताओ कोई और स्टूडेंट जल्दी से, जब मुझे नाम लेना पड़ जाएगा फिर। इसे बचा कौन है, आराम, तुम बताओ जरा जल्दी से, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे। बताओ सर। एक्स माइक्रोफोन ऑन करके बताओ। हाँ बोलो, नहीं लेस देन तुम क्यों एन। बोल रहे हो, अरे भाई तुम क्यों बोल रहे हो यार। अच्छा आखिरी वाला जो है ये कौन बचेगा, ये कौन बची है बहन, मेरी नाम बताओ आखिरी वाले का। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस सी। माइनस ये कहां से आ गया भाई, ये होगा भाई, आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, तुम लोगों को किस लिए कहता हूँ बोलने का, ताकि एक तो कॉन्फिडेंस आए, बाकी तुम लोगों के जहन में होता है सोल्यूशन, घबराते हो बताते थे। आपने ये देखना है कि इन्फिनिटी यहाँ पे बाद में ना, तो जब इन्फिनिटी बाद में होती है, अब देखो ये मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, आप लोग कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं बात, ये देखने में बात लग रही है ए से लेके इन्फिनिटी, मतलब ए से ग्रेटर, लेकिन अब मुझे जुगाड़ बतानी पड़ रही है कि यार जब इन्फिनिटी बाद में लिखी हुई है, तो उसका मतलब ग्रेटर का साइन लिखना है आपने। अगर आप इसको बात को समझो तो खुद ही आपको समझ आ सकती है, लेकिन इस तरह चलो निशानी याद रख लो कि जब इन्फिनिटी बाद में लिखी हुई है, इसका मतलब ग्रेटर का साइन आ रहा होगा, और जब नेगेटिव इन्फिनिटी ऑब्वियसली पहले लिखी हुई होगी, तो लेस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर राउंड राउंड ब्रैकेट लगी हुई है, तो इक्वालिटी नहीं आएगी नीचे, और स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है तो इक्वालिटी आएगी। इसी तरह देखो राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है ए के साथ, तो इक्वालिटी नहीं आई, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इक्वालिटी आएगी, तो इस तरह भी याद कर सकते हो भाई, ठीक है। अब जरा चेंज करते हैं हम इसको, ये बुक में मेंशन है पेज 269 पे, अब जरा मुझे इसका बताना। देखो सबसे पहले मैं एक आप लोगों को बता दूं, जैसे अगर आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई हो, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद में आप लोगों से इसके बारे में पूछूंगा। मतलब क्या इसका, ये होता है कि हम आप इसको इस तरह पढ़ते हो, कंपाउंड इनइक्वालिटी कहलाती है, एक तो सिंगल होती है ना, एक कंपाउंड ही है, तो इसको हम किस तरह पढ़ते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेस देन टू। दोबारा बता रहा हूं, एक्स इज ग्रेटर देन, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है। अब कोई स्टूडेंट मुझे ये नहीं बोल रहा कि सर ये तो लेस देन का सिंबल था, आप इसको ग्रेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं लेफ्ट के हिसाब से नहीं पढ़ रहा, अब मैं इसको राइट इसके हिसाब से पढ़ रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, याद रखो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ग्रेटर उसकी तरफ होता है, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू, ठीक है। जिसको आप इस ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, वन से लेके टू, टू शामिल नहीं है तो राउंड ब्रैकेट, जबकि वन शामिल है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। ये सबको क्लियर है मेरी बात, यस सर। सही है। अब सबको अगर क्लियर है तो फिर अब ये बताएंगे, चलो पहला बंदा कोई भी वॉलेंटरीली ऑन करो और बताओ इसको कैसे लिखेंगे। सर एक्स लेस देन इक्वल टू टू, ग्रेटर देन लेस इक्वल टू देन टू, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर टू देन, टू, सही लेस है, लेस देन फोर। देन सही, एक्सलेंट। आप कोई और स्टूडेंट बताओ इसको कैसे लिखेंगे।
जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है भाई, जल्दी बताओ दूसरे वाली सिचुएशन। एक्स इज ग्रेटर देन थ्री एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, लेस देन और इक्वल टू फाइव। भाई एक्सीलेंट हो गया। अब तीसरा बताओ जल्दी से कोई। यार बाकी दो बचे हैं करण में और एक मैरीन है, भाई जल्दी से ओपन करके बता दो उसको, लंबी क्या करो। एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 4। बस सही है, ठीक बिल्कुल सही बताया, एक्सीलेंट। अच्छा आराम, तुम बता दो, तुम ही बच्चे हो बस। सस्पेंस क्रिएट किया हुआ, जल्दी बताओ भाई, तुम माइक्रोफोन ऑन नहीं कर रहे। अच्छा माइक्रोफोन ऑन करो जल्दी से पहले अपना। तो रहा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद मीटिंग भी हटा देगा। इस तरीके से आप, मैं नॉर्मली पूछता नहीं तुम लोगों से, लेकिन मसला है कि मैं 5 मिनट बाद पढ़ा के चला जाऊंगा, तुम लोग वैसे के वैसे खड़े रहोगे, क्या फायदा होगा, पार्टिसिपेट किया करो। नहीं समझ आता माइक्रोफोन ऑन करके बोलो, कभी मैंने नहीं बनाया, कभी सुनाया नहीं है भाई, क्यों पूछ रहे हो, क्यों सवाल कर रहे हो, ज्यादा सवाल पूछ रहे हो, बहुत तंग कर रहे हो तुम, कुछ भी नहीं बोला है। पूछो सवाल, जब तक समझ नहीं आ रहा सवाल पूछो, दो दफा पूछ लो, तीसरी दफा नहीं पूछना, फिर अलग व्हाट्सएप में पूछ लेना, जाके इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट दो दफा तो बात पूछ सकते हो ना, तो मसला तो पूछ लिया करो। सर, हाँ बोलो। इनक्वालिटी में स्क्वायर आ सकते हैं, मतलब स्क्वायर वो है। हाँ, हो सकता है ये लीनियर इनक्वालिटी मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी अभी तो तुम्हें मैंने बताई होती, जो चैप्टर नंबर 8 में आपने इस टाइप की भी देखी थी, याद है मुझे, वो स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करते थे इस तरीके से, तो हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर -4 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो स्क्वायर आ सकता है बिल्कुल, क्यूब भी आ सकता है, हर चीज आ सकती है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना वो भी नाम क्या है, लीनियर इनक्वालिटी। लीनियर में क्या होगा कि सिंपल एक्स ही आ रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो नोट कर लेना इसमें। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल नंबर 4 है एक, वो कंपाउंड इनइक्वालिटी की ना, आई गेस। हाँ मैं चलो वो करवा देता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है 19 3x +7 और 28, इसको आपने सॉल्व करना है और वही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये जो कंपाउंड इनइक्वालिटी होती है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अलग अलग सॉल्व कर लो इसको, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें अलग सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ पे तो एक ही साइड पे एक्स आ रहा है ना, कभी यहाँ पे भी एक्स आ रहा होगा, यहाँ पे भी एक्स आ रहा होगा, तो वहां पे अलग अलग सॉल्व करना आसान होगा, लेकिन इन वाली सिचुएशन में एक साथ ही आप सॉल्व कर लो, कोई इश्यू नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो एक साथ, अलग अलग बुक में मेंशन हुआ है। अलग अलग का मतलब ये है कि आप पहले इसको कंसिडर करो, 19 is less than 3x + 7, और वही आप काम करो जो आपने यहाँ पे किया था, पूरा सॉल्व करोगे, एंड पे एक्स का आंसर आप निकालोगे, तो यहाँ पे एक्स का आंसर वैसे जल्दी में क्या आएगा, 7 इधर आके क्या हो जाएगा 13, और 3 को डिवाइड कर देना, साइन चेंज कर देना, ये सिचुएशन आएगी। और फिर दूसरा क्या है, 3x + 7 is less than 28, इसको जरा अलग सॉल्व करते हैं, 21 हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 7, एक इनक्वालिटी ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, तो लिखा हुआ क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 13/3 और एक्स इज लेस देन 7, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है, 12 आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बुक में आंसर नहीं आ रहा, तो आप करो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन 4 और इसका मतलब है एक्स इज लेस देन 7, तो कंबाइन आप इसको कैसे लिखोगे कि एक्स 4 से ग्रेटर है और लेस है 7 से, कंबाइन आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे। ये जो कंबाइन आप लिखते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, बैक वक्त दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि एक्स 4 से ग्रेटर भी होना चाहिए एंड एक्स जो है वो 7 से लेस भी होना चाहिए, तो ऐसे कौन से नंबर है, जैसे 5 है, 5 4 से ग्रेटर भी होता है, 7 से कम भी होता है, 6 है, 6 4 से ग्रेटर भी है, 7 से कम भी है, इसी तरह 6.9, 4 से ग्रेटर भी है और 7 से कम भी है, तो इस कंपाउंड इनइक्वालिटी में जब भी आप लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ऐसे नंबर इसके सॉल्यूशन में ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 से ग्रेटर होंगे और 7 से कम होंगे, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं, बिलफर्ज कंसीडर कर लो, अगर ये सिचुएशन आपके पास आती है, यहाँ पे मैं साइन चेंज करता हूँ, कंसीडर कर लो कि आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी नहीं होती, आपको बस ये दो अलग इनइक्वालिटी दी जाती,
और आपने इनको सॉल्व करना था। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, आपके पास यहाँ पे ये यह आंसर आता और यहाँ पे आपके पास ये आंसर आता, और इसको हम थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। मैं एक रैंडम सिचुएशन दे रहा हूँ और कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ इससे, ठीक है। कंसीडर कर लो आपके पास ये दो इनइक्वालिटी होती है, एक आप इसको सॉल्व करते हैं, एक आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपने इनको एक साथ लिखना था, कंसीडर कर लो एक ही सवाल था, उसके ये दो पार्ट थे, दोनों के अलग अलग आपने सॉल्व किया, अब आपको एक साथ लिखना है। तो आमतौर पर कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पे बता सकता है कि इन दोनों इनइक्वालिटी को मैं इस तरह कंपाउंड की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? और से सोचना, इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है कि एक्स इज लेस देन फोर, लेस देन फोर है, और इस इनइक्वालिटी का मतलब है कि एक्स इज ग्रेटर देन सेवन। तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं क्या? नो सर। क्यों नहीं लिख सकता? सर क्योंकि साइन में मसला आ जाएगा ना इनइक्वालिटी। अभी मैं मसला तुम्हारा हल करता हूं, एक सेकंड, मसला हल। एक्स इज ग्रेटर देन सेवन सेटिस्फाई, एक्स इज लेस देन फोर सेटिस्फाई, दोनों मैंने ठीक कर दिया, हो गया मसला। यस सर। सबको समझ आई ये बात? भैया गलत बात है, ये बात ही गलत है। क्यों गलत है? इन दोनों चीजों को एक साथ आप लिख ही नहीं सकते, आप इन दोनों चीजों को कंपाउंड की फॉर्म में इस तरह नहीं लिख सकते। तो आप लोग कहोगे सर आपने तो लिखा हुआ है, मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ो तो सेंस क्या बनेगी इसकी। एक्स मतलब नंबर्स होंगे ना, कोई भी नंबर जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, वो नंबर सेवन से ग्रेटर है लेकिन वो फोर से कम है। दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जो सेवन से ग्रेटर हो और फोर से कम हो? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में भाई। या तो नंबर सेवन से ग्रेटर होंगे या वो फोर से कम होंगे, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करे। तो याद रखना, इस कंपाउंड इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि दोनों बातों को सेटिस्फाई करवाना है। तो ये वो चीजें ऐसी हैं जो बैक वक्त सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो आप इनको एक साथ नहीं लिखोगे, आप इनको अलग अलग लिखोगे इस तरीके से कि x इज लेस देन फोर और x इज ग्रेटर देन सेवन, क्योंकि इस कंपाउंड इनइक्वालिटी का मतलब होता है एंड, कि x जो है वो फोर से ग्रेटर है एंड x जो है वो सेवन से लेस है, जो कि यहाँ पे तो सेंस बना रहा है। लेकिन इसको आप कंपाउंड इनइक्वालिटी के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वरना आपका सॉल्यूशन गलत माना जाएगा। याद रखना इस बात को, कंपाउंड इनइक्वालिटी में हमेशा यहाँ पे छोटा नंबर होता है, यहाँ पे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, तब एंड वाली बात सेटिस्फाई होती है। इस वाली सिचुएशन में ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपको इनको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, एक साथ आप नहीं लिखोगे। ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ नोट्स में ये मिस्टेक हुई भी होती है, तो वहां पे जब आप जाके पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। ये बात सबको समझ आई है? यस सर। उजैर के अलावा बाकी भी बच्चे बैठे हैं भाई यहाँ पे, सबको क्लियर है? यस सर। ये बात बुक में नहीं मेंशन भाई, जरा इस चीज को समझो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही आगे जाके चीजें मसला करेंगी। बुक में नहीं मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं है, मैं फालतू में अपना टाइम जाया नहीं कर रहा यहाँ खड़े होकर। जो ऑनेस्ट सी बात है कि मैं अपना गला खराब कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेंगी आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए। मेरा ये मैंने पैसे इस चीज के लिए नहीं लिया आप लोगों से, मैंने पैसे लिए कि बुक मैंने सही तरीके से सॉल्व करवानी है। बुक में ढूंढ दो मुझे कहीं कहीं लिखा हुआ, तो मैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा टाइम लगाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा, उसकी वजह यह है कि सीख लो मुझे, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ समझ नहीं आ रहा तो पूछो मुझसे अगर समझ नहीं आ रहा, काइंडली स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल को ना अलग अलग करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख देना। या आप एक काम करो, इसको अलग ना करो, एक साथ ही सॉल्व कर दो, और एक साथ सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। एक साथ सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले जो दरमियान में एक्स आ रहा है ना, आपको कोशिश ये करनी है कि एक्स आपका दरमियान में होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी एक्स दरमियान में ही है, साइड पे तो आपको नजर नहीं आ रहा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स के साथ कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो सेवन लिखा है, तो आपने यहाँ पे सेवन को हटाना है, और सेवन को हटाने का मतलब वही है, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो जवाब के तौर पे, सेवन एड हो रहा है, यहाँ पे जाके भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जाके भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इसकी जुगाड़ है। और अगर सही कॉन्सेप्ट समझ रहा है तो वो सही कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तरफ भी आप माइनस सेवन लिख दो, इस तरफ भी आप माइनस सेवन लिख दो, और इस तरफ भी आप माइनस सेवन लिख दो। याद रखना, जैसे आपके पास इक्वेशन होती थी ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आप दोनों तरफ कुछ काम करते थे, जो भी आपने काम करना है। इसी तरीके से जो आपकी इनइक्वालिटी है, इसकी तीन साइड है बेसिकली, लेफ्ट कह लो, मिडल कह लो और राइट कह लो, जो काम करना है आपने तीनों पे करना है।
ये इसका करेक्ट तरीका है। जुगाड़ याद रखनी है तो वो है कि सेवन इधर जाके भी सब्ट्रैक्ट होगा, इधर जाके भी होगा, लेकिन करेक्ट तरीका सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सेवन और ये सेवन कैंसिल, दरमियान में थ्री एक्स आएगा। 19 माइनस सेवन क्या होगा, 12 के बराबर। 28 माइनस सेवन क्या होगा, 21 के बराबर। ठीक है, उसके बाद आपको यहां से 3 हटाना है। तो अब करेक्ट तरीका क्या है, वैसे आप जुगाड़ रख सकते हो कि 3 को यहां पर भी डिवाइड कर दो, 3 को यहां पर भी करवा दो, लेकिन करेक्ट तरीका क्या है कि आप इनइक्वालिटी में हर तरफ क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो आप 3 से 3 कैंसिल, दरमियान में x बचेगा, 12 अपॉन 3 जो है वो 4 होता है बच्चों, 21 अपॉन 3 जो है वो 7 होता है, आपकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो एंड में आप सॉल्यूशन सेट लिखो इसका। सॉल्यूशन सेट ये होता है वो वाला सेट जिसमें सारे एक्स आपके पास होंगे जो 4 से ग्रेटर और 7 से कम होंगे। उसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो 4 से ग्रेटर है और 7 से कम है, इसको आप इस तरह लिखोगे। ठीक है, लेकिन आपको उन्होंने नंबर लाइन के अंदर भी बोला था कि नंबर लाइन में लिखो। मेरा आई गेस नेट का इशू हो रहा होगा आप लोगों को, अब ठीक हो गया होगा, सही। ठीक है, तो नंबर लाइन में आप कैसे लिखोगे इसको, मतलब सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि एक अदर नंबर लाइन होनी चाहिए, यहां पे कंसीडर कर लो 0 है, नंबर है 4 और 7, तो कंसीडर कर लो ये 4 है और कंसीडर कर लो ये 7 है। ठीक है, क्या दोनों नंबर शामिल है? नहीं, दोनों नंबर शामिल नहीं है, तो उसका मतलब राउंड ब्रैकेट लगाओगे, तो यहां पे भी राउंड ब्रैकेट लगेगी, यहां पे भी राउंड ब्रैकेट लगेगी, और दरमियान का सॉल्यूशन जो है इसको हाईलाइट कर दो। ये आपके पास सॉल्यूशन है जो यहां पे होगा, 4 और 7 के दरमियान सारे नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, 4 भी शामिल नहीं है, 7 भी शामिल नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है यहां पे। कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छा, एक मिस्टेक है यार सवाल में ना, मैं वही जहन में आता है, ऑलरेडी सवाल में यहाँ पे इक्वालिटी लगाई हुई है, तो अगर सवाल में लगाई हुई है तो आप लोग भी लगा लो, मुझसे मिस हो गया था सवाल में, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, राउंड नहीं सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। सही, तो ये आप लोग यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो बच्चों। अब ये कह लो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, पहले एक वेरिएबल था जस्ट एक्स, अब दो वेरिएबल है। देखो दो वेरिएबल के अंदर इनइक्वालिटी की जनरल फॉर्म क्या है जो आपकी बुक ने लिखी है, वो जनरल फॉर्म ये है, ए एक्स प्लस बी वाई, मैं डब्बा बना रहा हूं यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। डब्बा बनाने का मकसद क्या है कि यहाँ पे कोई भी चार चीजें आ सकती है, अगेन वही ग्रेटर देन का साइन आ सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये चार किस्म की बनेगी आपके पास, जो डब्बा है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन चार चीजों को। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, दूसरी ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तीसरी ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, और तीसरी चौथी हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो चार साइन अगेन आ सकते हैं। अगर आप इस इनइक्वालिटी को देखो, इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, तो दो वेरिएबल के अंदर इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना। मैं बेसिक सी बात बता दूं, जब आप एक वेरिएबल को सॉल्व करते हो ना, तो जो उसके आंसर आते हैं वो रियल नंबर आ रहे होते हैं, जिसको आप नंबर लाइन पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब दो वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी होती है तो जो उसके आंसर आते हैं वो रियल नंबर नहीं आ रहे होते, वो यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। बताता हूँ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन थ्री, यह आपके पास एक इनइक्वालिटी आई हुई है जिसके अंदर दो वेरिएबल है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन में आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, राउंड ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करते हो जिसके अंदर दो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कंसीडर कर लो एक पॉइंट है 2, 4, वो इसका सॉल्यूशन है। कैसे मुझे पता चला, आप पुट करके देखो, जब मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे पहली चीज एक्स होती है, दूसरी चीज वाई होती है, जब आप एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करोगे, वाई की जगह पे आप 4 पुट करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 8 और 2 + 8 का तो 10 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इसका सॉल्यूशन है। इस टाइप के मैं बेतहाशा इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बना सकता हूँ। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 3, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करो, वाई की जगह 3 पुट करो, 6 + 1 = 7 इज ग्रेटर देन 3। तो कहने का मतलब ये कि जब दो वेरिएबल के अंदर इनइक्वालिटी होती है तो आपके पास रियल नंबर नहीं आते, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आते हैं,
और वो जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर लाइन पे तो आप एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे ना, अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन से काम नहीं होगा, आपको दो नंबर लाइन चाहिए होगी, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में ग्राफ कहते हो ना। ग्राफ में एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। जब तक एक वेरिएबल था तो आप इसको इस लाइन पे ड्रॉ कर दिया करते, लेकिन अब दो वेरिएबल है तो आपको यहाँ पे दो लाइन चाहिए जिसको आप ग्राफ कह रहे हो, ठीक है। तो जो दो वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी होती है उसके जो सॉल्यूशन है वो आप ग्राफ पे लिखते हो, क्योंकि लिस्ट बना के आप लिख नहीं सकते। आप यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी लिख सकते हो, आप बैठ जाओ पेंसिल पेन लेके और आप लिखते जाओ। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं मुझे कोई एक सॉल्यूशन बताओ जरा इसका जल्दी से, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? कोई भी सॉल्यूशन बता दो यहाँ पे। 3 5 3 5 बता दो भाई, ये देखो साइड से। कोई और बताओ जल्दी से, कर लेते हैं। अच्छा आप नेगेटिव भी कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव तो आप खुद सोच लो, नंबर बड़े करते जाओ 7 6 8 9 करते जाओ, आते जाएंगे ऑर्डर पेयर बैठ के, पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। अच्छा नेगेटिव में भी आप लिख सकते हो, जैसे हम नेगेटिव वैल्यू को छोटा करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को बड़ा करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल -2.5 इस तरह कर लो। जब एक्स की जगह पे -2 पुट करोगे और वाई की जगह पे 5 पुट करोगे, 5 2 का क्या होता है 10, 10 -2 8, अगेन 8 ग्रेटर होता है 3। तो आप एक नेगेटिव ले लो एक पॉजिटिव ले लो, उससे भी आप बना सकते हो, बस दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो गए यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा और नेगेटिव नंबर 3 से ग्रेटर नहीं होता, ठीक है। तो या तो दोनों पॉजिटिव ले लो या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और बेतहाशा बनाते जाओगे, तो हमारे लिए लिस्ट फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, वरना हम इस तरह तो लिख ही नहीं सकते इसको। तो दैट्स व्हाई आप इसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो, और ग्राफ में जो सॉल्यूशन वाला रीजन होता है ना आप उसको शेड कर देते हो, तो जो शेड वाला रीजन होगा ना आप समझ जाओगे यार ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने सॉल्व किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, लेकिन मैं सॉल्यूशन को समझा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन आएंगे ऑर्डर पेयर, और वो आप इस तरह लिस्ट बना के नहीं लिख सकते, आप ग्राफ पे उसको शेड करके बताओगे कि यार इस रीजन में जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब आ जाओ उस स्टेप पे जहां पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसको आप सॉल्व किस तरह करना है, और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन ग्राफ पेपर पे आप किस तरह शेड करोगे। तो बुक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, कोई तो एग्जाम्पल नंबर 1 ही हम सॉल्व करते हैं, ये पेज नंबर 270 पे, यही आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे बच्चों इसी किस्म के सवाल, यहां पे अगर समझ लोगे तो वहां जाके मसला नहीं होगा। ये इनइक्वालिटी लिख सकते दो वेरिएबल के अंदर है, सॉल्व करनी है आपको। अब इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं, सॉरी 4 स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप नंबर 1 जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम बोलते हैं, इसकी आप एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो। ये बुक में वर्ड यूज नहीं हुआ लेकिन हम बोलते हैं इसको एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि इनइक्वालिटी है ना, यही इनइक्वालिटी इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखो, कैसे 3y + 2x = 6। मतलब इनइक्वालिटी की जगह पे आपने क्या डाल दिया, इक्वल डाल दिया। तो सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है आपने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे आप एक काम करो, जो भी आपके पास इक्वेशन आती है पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो, तो बेहतर ये है कि पहले आप x लिखो और फिर आप y लिखो, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी। अब आ जाओ जरा दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालोगे। अब ये क्या चीज होती है, बिल्कुल आपके पास एक ग्राफ है ना और आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये जो बच्चों स्ट्रेट लाइन होती है ना इसकी इक्वेशन यही होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, एक एक्स की टर्म होती है, एक वाई की टर्म होती है और एक कांस्टेंट होता है। तो याद रखना है, जब भी इस टाइप की आप इक्वेशन देखो ना, तो जब आप उसको ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करने का प्रोसीजर है चैप्टर नंबर 8 में, 8.3 8.4 में, लेकिन वो ये वाला तरीका नहीं है जो इन्होंने यहाँ पे बताया है, तो इसलिए आपको 8.3 8.4 की ऐसा जरूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है, तीसरे स्टेप के अंदर। लेकिन ड्रॉ कैसे करोगे, आपको यहाँ पे दो पॉइंट चाहिए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये दो पॉइंट ना आप इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, ये जो पॉइंट है ना इसको आप कहते हो एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, और इस वाले पॉइंट को कहते हो वाई इंटरसेप्ट। अब इसका मतलब क्या होता है,
बच्चों एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिस पे आपकी लाइन इस एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। अगर आप देखो जो लाइन है ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये जो वाई इंटरसेप्ट होता है, तो आप खुद बता सकते हो, वाई इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जिसपे आपकी लाइन ये जो वाई एक्सिस है ना इसको क्रॉस कर रही है, ये होता है एक्स और वाई इंटरसेप्ट। पहली बात, जहां पे मसला हो रोक के पूछ लो, मतलब सर ये बात समझ रही है। दूसरी बात, याद रखो इस बात को कि जब आप किसी पॉइंट को ड्रॉ करते हो ना, तो उस पॉइंट के अंदर दो वैल्यूज होती है, एक होती है एक्स वैल्यू, एक होती है वाई वैल्यू। ये एक्स वैल्यू क्या होती है? एक्स वैल्यू होती है कि ये पॉइंट आपका, ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये एक्स वैल्यू कहलाती है, कि आपका पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये पूरी एक्स वैल्यू होती है, ठीक है। और ये वाई वैल्यू क्या होती है? वाई वैल्यू होती है कि आपके पॉइंट की ये पूरी हाइट है, ये वाई वैल्यू। जैसे बिल्कुल अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक पॉइंट ड्रॉ करो 2, 3, तो आप क्या बोलोगे? 2 जो है वो एक्स वैल्यू है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस होगा। तो कंसिडर कर लो 1, 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, और 3 क्या होता है? हाइट। तो कंसिडर कर लो 1, 2, 3, ये हाइट है। तो आप क्या करोगे? आप 2 से ऊपर आओगे और 3 से इस तरह आओगे, और कंसिडर कर लो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये वो पॉइंट है जिसका ये वाला डिस्टेंस जो है ये 2 के बराबर है, ये पूरा डिस्टेंस 2 है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है? वर्टिकल, ये वाला 3 के बराबर है। ये बात समझ आई सबको? यस सर। जब आपको ये पॉइंट ड्रॉ करना आता है ना, तो आपको बेसिक बात समझ आएगी। अगर क्वेश्चन को ये बात समझ आ गई तो मुझे बता सकता है, जितना मैं इस पॉइंट को नीचे लाऊंगा उतनी वाई वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कंसीडर कर लो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आया हूँ, क्वेश्चन बता सकता है यहाँ पे इस पॉइंट की वाई वैल्यू क्या होगी? 0। एक्सीलेंट, यहाँ पे इसकी वाई वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली वाई वैल्यू ये हाइट होती थी ना, जब आप इस पॉइंट को उठा के एक्स एक्सिस पे ले आए तो हाइट तो आपकी 0 होगी, तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसकी वाई वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को आप लिखोगे, इस पॉइंट को कैसे लिखोगे? वाई वैल्यू उसके 0 है और एक्स वैल्यू क्या होगी? ये पूरा डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस 2 है, तो इस पॉइंट को आप इस तरह लिखोगे। और इसी पैटर्न पे अगर कोई पॉइंट यहाँ पे चला जाए तो आप बता सकते हो उसको कैसे लिखोगे आप? 0.3। एक्सलेंट भाई, उसकी एक्स वैल्यू 0 होगी, क्यों? क्योंकि एक्स वैल्यू का मतलब ये पूरा डिस्टेंस होता है। अगर इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आओगे तो एक्स वैल्यू पूरी आपकी खत्म हो जाएगी, इस पॉइंट को आप इस तरह लिखोगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया, ये जो आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है ना, एक्स इंटरसेप्ट में हमेशा वाई वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और वाई इंटरसेप्ट में हमेशा आपकी एक्स वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो जब आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा, आप वाई की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 0। और जब आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो आप एक्स की जगह पे क्या करोगे? 0 पुट कर दोगे, ठीक है। मेरे लिए बड़ा आसान था ये बताना कि यार वाई इंटरसेप्ट में एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स इंटरसेप्ट को वाई में 0 पुट कर दो। रीजन आपको समझ नहीं आती, ग्राफ से पूरा डिटेल में रीजन बताइए क्यों आप 0 किसको पुट कर दो। तो ये जो आपका स्टेप 2 है ना, इसमें आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। सबसे पहले आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो यहाँ पे। अच्छा, आप इस इक्वेशन को बिल्कुल नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या करना है, आपने पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई वैल्यू 0 होती है। तो आप इक्वेशन में वाई वैल्यू 0 पुट कर दो, तो वाई वैल्यू 0 पुट करोगे, इक्वेशन 1 आपकी क्या बनेगी? y की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से आप निकालोगे x की वैल्यू, ये तो खत्म हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, x की यहाँ पे वैल्यू आएगी 3। 3 को भी खाली x इंटरसेप्ट बोला जाता है, या आप उसको पॉइंट की फॉर्म में लिख दो। पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 3.0। दोनों बातें बोल सकते हो आप, इसको भी x इंटरसेप्ट बोल सकते हो, लेकिन अच्छा वर्ड क्या है? पॉइंट की फॉर्म में जब आप लिखोगे ना, तो ये आपका x इंटरसेप्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। x वैल्यू 3 है और y वैल्यू 3 क्या है? 0। इसी तरीके से आपको क्या करना है? y इंटरसेप्ट भी निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा। तो अब आ जाओ y इंटरसेप्ट के ऊपर। y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों क्या करना है? आपने x को 0 पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, बाकी चीजें अपनी जगह पे। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? 2। इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? 0.2।
तो स्टेप टू क्या था कि आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने, जब आपके पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ जाए तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है स्टेप थ्री के ऊपर। स्टेप थ्री क्या कहता है, स्टेप थ्री ये कहता है कि आप यहां पे इसका ग्राफ बनाओ। अच्छा अगर हम ये बात पहले करना है, चलो पहले आप ग्राफ बना लो इसका, भगवानों ने एक साथ ही डायग्राम इसकी बनाई है, ठीक है। तो स्टेप थ्री में आपने बस ये करना है कि आपने जो स्ट्रेट लाइन है ना इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। सारा ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ये वाला पार्ट जो है ना ये आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा इसके ऊपर, ये जो सवाल है ये रफली आप खुद भी ग्राफ बना सकते हो इसका, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है। हाँ जो 9.2 9.3 के सवाल है उसमें हो सकता है कि मे बी ग्राफ पेपर आए, वो फिलहाल मुझे कंफर्म नहीं है, मैं इंशाल्लाह कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगा बाद में कि 8.3 8.4 और 9.3 और 9.2 में मे बी ग्राफ के ऊपर आपको सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इनइक्वालिटी 3-4 आपने एक साथ प्लॉट करनी है, तो मे बी आपको ग्राफ पेपर दिए जाए उन पर आप सवाल सॉल्व करो, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगा, लेकिन अगर इस पे आपको बनाना आ गया तो आप ग्राफ पेपर भी आसानी से बना लोगे। ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट देखना है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 3.0, जरा इसकी पहले स्केलिंग कर लेते, ये 1 है, अंदाजन आप कर लो इक्वल इक्वल, ये 2 है और कंसिडर कर लो ये 3 है, इसी तरह अंदाजन ये 1 है ये 2 है ये 3 है, तो एक्स इंटरसेप्ट 3.0 ये पॉइंट हो जाएगा 3.0, इसकी एक्स वैल्यू 3 है और वाई वैल्यू आपको पता है 0 होगी, और ये है 0.2 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट आपने ये कर लिया। वंस आपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट जैसी ग्राफ पे शो कर लिए, अब आप इनको आपस में ज्वाइन कर दो। भाई एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी होते हैं, आप एक स्केल पकड़ना, इस स्केल से इसको आप ड्रॉ कर दो और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। मैं रफली आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, बस एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, स्केल पकड़ना और एक लाइन को इस तरीके से बनाना, तो ये आपने लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 क्या होगा, क्योंकि आपने तो शेड करना है ना, शेड किस रीजन को करें, यहाँ पे 2 रीजन है, एक है लाइन के नीचे और एक है लाइन के ऊपर, तो किस रीजन को हम शेड करें, कौन से हमारे सॉल्यूशन है, तो वो स्टेप 4 आपको बताएगा। स्टेप 4 क्या कहेगा, स्टेप 4 कहेगा यार देखो आपने ओरिजिन जो है वो आपने इनइक्वालिटी में पुट करना है, कंसिडर कर लो इस इनइक्वालिटी को, मैं ए का नाम दे देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन आपको समझ आएगी कि ओरिजिन में क्यों पुट कर रहा हूं, आप क्या करो, आप जो ओरिजिन है 0.0 इसको आप पुट करो ए के अंदर और फिर हम देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये जो ए है ना इनइक्वालिटी जो गिवन की आंसर, इसके अंदर आप क्या करो 0.0 पुट करो, तो वाई की जगह पे भी आप 0 पुट कर दोगे, एक्स की जगह पे भी आप 0 पुट कर दोगे, एक्स के साथ 2 था, और इनइक्वालिटी क्या होगी लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, आंसर क्या आ रहा है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 0 बाकी 6 से कम होता है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए थे ना कि इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, जब आप उस पॉइंट को पुट करोगे इनइक्वालिटी के अंदर तो एंड पे आपके पास स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक आएगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है 0 इज लेस देन 6, सही है, तो इसका मतलब 0 जो है सॉरी ओरिजिन जो है वो इसका सॉल्यूशन है। अब आपने देखना है ओरिजिन लाइन के ऊपर लाए कर रहा है या नीचे लाए कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो ये लाइन है और ओरिजिन यहाँ पे होता है, मतलब लाइन के नीचे लाए कर रहा है, तो अगर ओरिजिन सॉल्यूशन है इसका मतलब लाइन के नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपने यहाँ पे शेड करना है, तो ये लाइन है इसके नीचे वाला रीजन सारा जो है वो शेड हो जाएगा, ठीक है, मैं इसी तरह शेड कर सकता हूँ, बुक में उन्होंने खूबसूरती से शेड किया है, लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों सारे सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को। आप अगर चेक करना चाह रहे हो तो आप कोई भी रैंडम पॉइंट पिक कर लो, जैसे हम ये कोई पॉइंट पिक करते हैं, नेगेटिव पॉइंट पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल -1 और -1, जहां पे एक पॉइंट होगा ना -1, -1 आप पुट करो देखना वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, वाई की जगह पे माइनस पुट करो ये -3 हो जाएगा, जहां पे माइनस पुट करो ये -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और -5 6 से कम होता है, कहने का मतलब इस लाइन के नीचे जो भी आप पॉइंट पिक करोगे वो सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट पॉइंट है, लिस्ट बना के तो आप नहीं लिख सकते, आपने शेड करके बता दिया कि लाइन के बिलो जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, इवन लाइन के जो ऊपर पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट जो है लाइन के ऊपर है ना, ये पॉइंट क्या है 3.0, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, आप यहाँ पे पुट करो
वाई की जगह पे जीरो और एक्स की जगह पे थ्री पुट करोगे थ्री टू का सिक्स, तो ये स्टेटमेंट थ्री मतलब सही है ना, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये। तो कहने का मतलब लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है और लाइन के नीचे जितने पॉइंट है वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इन चार स्टेप्स के अंदर आपने इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को लिखना। कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ बोलो। इन चार स्टेप में से पहले वाले स्टेप में ये जो इक्वल लगा है ये एक दफा बता दें, बस याद कर लें कि वेरिएबल चेंज कर दें और इक्वल लगा दें। ये देखो हर जगह वेरिएबल चेंज नहीं करने होते, मतलब ऑलरेडी कभी सवाल में आपके पास एक्स पहले होता है वाई बाद में होता है, ये कोई स्टेप नहीं है। इवन तुम वाई को इधर पहले लिख लो सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं वैसे ही कह रहा हूं, दिखने में अच्छा लगता है कि पहले एक्स को लिखो फिर वाई कहता हूं। जो स्टेप वन है ना असल में वो ये है कि आपने इनइक्वालिटी की जगह इक्वेशन लिखी, और इसकी वजह ये है कि देखो इनइक्वालिटी के रिजल्ट में आपके पास शेडेड रीजन आता है, ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा? एक लाइन होगी ना जिस लाइन के नीचे वो शेडेड रीजन आ रहा होगा, अगर इसमें इस लाइन को ना ड्रॉ करूं तो शेडेड रीजन इस तरह आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक लाइन है ना जिसके नीचे वो शेडेड रीजन है, उस लाइन को आप कैसे निकालोगे? इक्वल करके, क्योंकि जो दरमियान में इक्वल आते हैं तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है। इनइक्वालिटी में इसका अगर आप ड्रॉ करोगे तो इस पर कोई कर्व स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं आएगी, इसमें जस्ट शेड आएगा इसका सॉल्यूशन में, ठीक है। तो वो लाइन कौन सी है मुझे इस तरह पता चलेगा, ठीक। और स्टेप फोर में ये ओरिजिन का बस एक दफा बता दें, ओरिजिन ओरिजिन देखो सबसे, हाँ बता दो, ओरिजिन जो है वो सबसे इजी पॉइंट होता है। आप कोई भी एक पॉइंट दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टेप फोर में आपने बेसिकली एक पॉइंट पकड़ा है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, बस आपको ये पता होना चाहिए वो पॉइंट लाइन के ऊपर है या नीचे। तो जब आपके पास ग्राफ आ गया, हाँ कोई भी पॉइंट ले लो, ओरिजिन इसलिए क्योंकि आसान होता है, जीरो जीरो है बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट होगा, कंसिडर कर लो ये फोर है और यहाँ पे फोर होगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट है फोर कॉमा फोर, आप ये भी ले सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए फोर कॉमा फोर ऊपर है या नीचे है। मुझे पता ही ऊपर है। आप क्या करो, आप इसको पुट कर दो इनइक्वालिटी के अंदर। जब आप पुट करोगे ना आपकी इनइक्वालिटी गलत होगी, करके देख लेना। थ्री फोर दा ट्वेल्व, टू फोर दा एट, ट्वेंटी आ रहा होगा यहाँ पे, ट्वेंटी सिक्स से कम होता है, ट्वेंटी तो सिक्स से ग्रेटर है, इनइक्वालिटी आपकी गलत आ रही है। तो इनइक्वालिटी गलत आने का मतलब क्या है कि जिस रीजन में वो पॉइंट है वो रीजन आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आप देखो वो लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ऊपर वाला सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो फिर नीचे वाला सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब एक पॉइंट आपको पिक करना है, अगर वो पॉइंट सॉल्यूशन है तो वो जिस रीजन में वो पॉइंट लाई कर रहा है वो पूरा रीजन आपका सॉल्यूशन है। तो हम नॉर्मली ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ओरिजिन जिस भी रीजन में वो पूरा रीजन आपका सॉल्यूशन है। तो ओरिजिन बिलो वाले रीजन में था तो मैंने बिलो वाले को शेड कर दिया, ये रीजन है। हर चीज की रीजन होती है, अगर कोई टीचर आपको नहीं बता रहा वो अलग बात है, रीजन होती है, बगैर एनी अपनी तरफ से नियम कर रहे होते हैं, रीजन होती है उसमें। तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको, हाँ अगर आप पूरी बुक आप ओपन करो ना और जितने भी आप एग्जांपल्स देखो, जितनी भी एक्सरसाइज है, हैरत की बात यह है कि जब दो वेरिएबल ना उसके साथ उन्होंने ये बड़ा केस डिस्कस नहीं किया हुआ कि जब आपके पास इक्वेलिटी ना हो, हैरत की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो उन्होंने डिस्कस ही नहीं की। पूरी मैंने बुक पढ़ी थी एक्सरसाइज, कहीं भी ये बात डिस्कस नहीं हुई कि अगर आपके पास इक्वालिटी नहीं है तो अब फर्क क्या पड़ेगा। तो फर्क बस अब ये पड़ेगा कि जैसे आपने अभी देखा था कि इस लाइन के नीचे सारे पॉइंट सॉल्यूशन थे और मैंने बोला था इस लाइन के जो ऊपर पॉइंट है वो भी सारे सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी तो इसका मतलब जो पॉइंट लाइन के ऊपर है वो सॉल्यूशन नहीं है। कैसे? जैसे 3,0 इस लाइन के ऊपर था ना, अब जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वाली सिचुएशन आ रही होगी। तो क्या सिक्स लेस होता है सिक्स से? नहीं, सिक्स जो है वो सिक्स से लेस तो नहीं है, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट गलत आ रही है। तो वजह ये है कि जो आपने पॉइंट पिक किया वो लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे ना वो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होंगे जब यहाँ पे इक्वेलिटी ना हो। अगर इक्वेलिटी होगी तो फिर आप जो लाइन के ऊपर है वो भी सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ में लिखते कैसे हैं? याद रखो जब भी इक्वेलिटी आती है आप ये सॉलिड लाइन बनाते हो, और जब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ रही ना तो फिर आप डॉटेड लाइन बनाते हो इस तरीके। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बुक ने मेंशन नहीं किया, इस तरीके से आप बनाओगे। तो डॉटेड नहीं, इसको डैश बोलेंगे ना, जो डैश लाइन है ना, डैश लाइन उस वक्त बनती है जब यहाँ पे इक्वालिटी ना हो, और जब इक्वालिटी होती है तो आप यहाँ पे सॉलिड लाइन बनाते हो। मकसद इसका यह है कि सॉलिड लाइन का मतलब ये है कि उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन है, जबकि डैश लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन नहीं है, इसके नीचे वाले सारे सॉल्यूशन। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया एक सवाल को सॉल्व करवा के, बाकी मैं रफली सॉल्व करवाऊंगा। स्टेप सारे देख लो, चार स्टेप्स में किस किस तरीके से करना है,
मैंने एक पूरा सवाल करवा दी, पेपर में सवाल आएगा तो आपने इस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है, इन चार स्टेप के अंदर। अब जो बाकी सवाल है वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, बस मैं रीजन बता दूंगा उसके अंदर, रीजन क्या है या कोई नई बात होगी वो बता दूंगा, लेकिन ये बात मैंने एक दफा डिटेल में आपको बताऊंगा। सही है, कोई सवाल है पूछ लो, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। अच्छा जी, एग्जाम्पल वन होगी, एग्जाम्पल नंबर टू में कोई खास बात नहीं है, उसमें ऊपर वाला रीजन है देख लेना आप लोग। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर टू का आपने देख लिया, मैं अब एग्जाम्पल नंबर वन करवा रहा हूँ, वहां पे ज्यादा इनइक्वालिटी है, अब उनको किस तरह सॉल्व करना है जरा उस पर आते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक एक इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना और उसका सॉल्यूशन शेड करना, ये तो आप लोगों का आ गया होगा। अब जैसे आपके पास रियल लाइफ में अगर आपको याद हो, एक होता था एक इक्वेशन को सॉल्व करना और एक होता था सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना, दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना, तीन इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना। तो देखो बच्चों, जब आप दो या तीन इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, जो आपके पास आंसर आता था वो यूनिक आता था नॉर्मली। चैप्टर नंबर टू में आपने पढ़ा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, अगर वहां पे याद हो आपको, उसको भी लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी को याद हो, होमोजेनियस के अंदर फ्री वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर बताया था, लेट करके आप उसको जनरलाइज्ड लैंग्वेज में किस तरह लिखते थे। इसी तरह यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे भी आपके पास तीन इनइक्वालिटीज आ सकती हैं, एक इनइक्वालिटी को तो डील करना आपको आ गया, अगर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो अब आप इनका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, तो अब उनका सॉल्यूशन क्या होगा वो जरा हम देख लेते हैं। तो ये बुक की एग्जाम्पल ही है, एग्जैक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद है, तो अगर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो वहां पे मुझे अलग करवाने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। तो एग्जाम्पल नंबर वन है पेज नंबर 271 पे, इनइक्वालिटी लिखी हुई है, सबसे पहली है 5x plus y is greater than or equal to 10, इसको हम 1 बोल देते हैं। दूसरी है x plus y is greater than or equal to 6। अच्छा जी, तीसरी है x plus 4y is greater than or equal to 12। और एक चौथी भी लिखी हुई है यहाँ पे, इसका मतलब मैं एंड पे बताऊंगा, बिल्कुल इसको आप नाम ना दो को जरूरत नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना, बस एंड पे देखिए। बेसिकली यहाँ पे तीन इक्वालिटीज हैं जिनको आपने ड्रॉ करना है, अब इन तीन इक्वालिटी को एक साथ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ आप लोगों ने एक ही बनाना है, रफ वर्क में यहाँ पे काफी काम है आपका, लेकिन फेयर ग्राफ जो है वो एक ही बनेगा। मे बी सवाल पेपर में आ सकता है विदाउट ग्राफ पेपर, विदाउट ग्राफ पेपर आप इस सवाल को अंदाजन सॉल्व कर सकते हो, इंटरसेप्ट अगर आपने सही निकाले में तो आप कर लोगे आराम से। तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने पहली इनइक्वालिटी को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। अब स्टेप इसमें आपने कुछ स्किप करना है, क्योंकि तीन को अगर आप उस तरह खोल खोल के लिखोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन इनइक्वालिटी वन की बात करते हैं, इनइक्वालिटी वन वाली जिसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते थे आप, इसकी इक्वेशन लिखा करते थे, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है फलाना स्टेप, ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर इसको नाम देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो कोई इशू नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा नाम है ऑलरेडी, नाम दोगे मसला होगा। आप यहाँ पे क्या करो, एक्स इंटरसेप्ट निकालो, दूसरे स्टेप में आप क्या करते थे, एक्स इंटरसेप्ट निकालते थे, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते थे, वाई को जीरो पुट करते थे, यहाँ पे वाई को जीरो पुट करो, ये क्वेश्चन आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2,0। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या था, एक्स को आपने जीरो पुट करना है, तो एक्स को यहाँ पे जीरो पुट करो, आपके पास पहली टर्म जीरो हो जाएगी, ये सिचुएशन बनेगी y इज इक्वल टू 10, पॉइंट के फॉर्म में लिखो तो ये क्या हो जाएगा, 0,10। y इंटरसेप्ट को याद रख लो, x की जगह पे 0 पुट करोगे, y की जगह पे जो वैल्यू आई होगी, तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया। अपने पास नोट कर लो, पहली इनइक्वालिटी आपकी सॉल्व है, अब ड्रॉ का काम करना होगा आपको, या एक काम करते हैं इसमें, जब आप इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी ना, इनइक्वालिटी को नहीं, जब आप इक्वेशन को ड्रॉ करोगे पूरा, जब इक्वेशन ड्रॉ होगी या तो अबव का रीजन होगा या बिलो का रीजन होगा, तो अभी से हम मालूम कर लेते हैं क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। एक काम करो, एक जो ग्राफ आप बनाओगे ना उस पर इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं, साइड पे जो भी ग्राफ बनेगा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हम इस वाली इनइक्वालिटी को जरा ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखो स्केलिंग इस पे बड़ी है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 10 आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, हम बाकी भी जरा देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर 6 आ रहा होगा, यहाँ पे आंसर 3 आ रहा होगा, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको वाई एक्सिस पे 10 ही मिल रही है, और एक्स एक्सिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू 2 या 6 मिल रही होगी। तो स्केलिंग आप यहाँ पे क्या करो, दो दो यूनिट की स्केलिंग करो, मतलब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, मतलब 8 को आपने 2 के बराबर लिया है। इसी तरह वाई पे कर लो, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से।
अगर इसको ड्रॉ करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 2,0, 2,0 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट क्या, 0,10, 0,10 यहां पे होगा, सही है। अब आपने इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ में करता हूं आप लोगों के सामने, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है तो खराब हो सकती है चीजें। ये एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब अगेन वही बात, या तो स्ट्रेट लाइन का अबव का रीजन होगा या बिलो का रीजन होगा। कैसे पता चलेगा, ओरिजिन पुट करके देख लो, आपको पता है ओरिजिन यहाँ पे बिलो है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बिलो का रीजन शेड हो रहा है। तो जरा पुट करते हैं, पुट 0,0 इन 1, इनइक्वालिटी 1 जो है ना उसमें आप 0,0 पुट करो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इनइक्वालिटी ये चीज 0 हो जाएगी। क्या 0 10 से ग्रेटर होता है, नहीं। क्या 0 10 के बराबर होता है, नहीं। इसका मतलब स्टेटमेंट जो है वो क्या है, नॉट ट्रू, आप इसको रॉन्ग भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका मतलब बिलो वाला रीजन यहाँ पे शेड नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन जो है वो बिलो में है। अगर बिलो वाला रीजन सॉल्यूशन होता तो ओरिजिन भी सेटिस्फाई करता, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका रीजन क्या है, अबव है। अब जब आप ड्रॉ करोगे तो अबव पे आप बना दोगे, अभी मैं फिलहाल अबव शेड नहीं कर रहा क्योंकि बाकी भी आपको ड्रॉ करना है, वरना किच में चल जाएगा काफी। बस आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि अबव वाला रीजन आपने शेड करना होगा, वो बाद में हम देखेंगे। अब आ जाओ दूसरी इनइक्वालिटी के ऊपर, इनइक्वालिटी नंबर 2, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं उसकी, क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सॉल्व करो, सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट में आप क्या करोगे, वाई को 0, वाई को 0 पुट करोगे, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी और एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 6,0। वाई इंटरसेप्ट होगा, आप पुट करोगे एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो वाई वैल्यू 6 आ जाएगी, पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो 0,6। उसके बाद आप क्या करते हो, वही ड्रॉ करोगे आप, इसको जरा ड्रॉ करते हैं, 0,6,0 यहाँ पे होगा, कहीं और 0,6 जो है वो यहाँ पे होगा, जरा ड्रॉ करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह सही बनी है, आप लोग स्केल से कर लेना इसको, ये आपके पास लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब अगेन अगर आप देखो, ये जो लाइन है इसके नीचे ओरिजिन आ रहा है, तो अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो बिलो वाला रीजन यहाँ पे होगा, और अगर ओरिजिन नहीं कर रहा तो फिर अबव वाला रीजन होगा। जरा पुट करते हैं, पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 2। तो जब आप 2 में पुट करोगे, यहाँ पे एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, और स्टेटमेंट ये आ रही है, 0 क्या 6 से ग्रेटर होता है, नहीं। 0 6 के बराबर होता है, नहीं। इसका मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब अबव वाला रीजन जो है वो यहाँ पे होगा, इसका भी सॉल्यूशन आपने निकाल लिया। अब रही बात तीसरी इनइक्वालिटी की, इनइक्वालिटी नंबर 3, क्या करोगे, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ठीक है, सॉरी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12। क्या करो सबसे पहले बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हो, y की जगह 0 पुट करते हैं, 0 हो जाएगा, x की वैल्यू, अच्छा 12 भी आ रही है, चलो और भी जगह है थोड़ी, x 12 आ रहा है, पॉइंट की फॉर्म में लिखो 12,0। अच्छा अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, आपने क्या करना है, x की जगह पे 0 पुट करना है, ये 0 हो जाएगा, स्टेटमेंट बचेगी 4y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, पॉइंट की फॉर्म में लिखो 0,3। अब जरा इसको ड्रॉ करते हैं, 12,0 बिल्कुल एंड पे होगा, ये 10 तक था ना, तो हम एक 12 भी बना लेते, ये पॉइंट जो है ये है 12,0 और 0,3 कहाँ पे होगा, देखो ये 2 है ये 4 है तो दरमियान में 0,3 होगा यहाँ पे। अब जरा इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगेन अगर आप देखो, इस लाइन के अबव वाला रीजन है, बिलो वाला रीजन है, तो आप क्या करो, अगर आप देखो ओरिजिन बिलो वाले रीजन में आ रहा है, तो जरा चेक करते हैं क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको या नहीं कर रहा, तो पुट 0,0 इन 3। तो 3 में जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये भी 0, ये भी 0, अगेन बच्चों 0 12 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, इसका भी जो अबव वाला रीजन है वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि तीनों इनइक्वालिटी के बिलो ओरिजिन है, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब अबव वाला रीजन जो है वो आपने आ रहा है, ठीक है। अब वक्त आ गया बच्चों,
शेड करने का, क्योंकि आपने ड्रॉ कर लिए, मालूम कर लिए तीनों का, अब आप शेड कैसे करोगे? अब मैं इसको अलग अलग बता रहा हूँ, उसके बाद इस डायग्राम पे करूंगा। सबसे पहले अगर आप डायग्राम देखो ना, ये वाली बन रही है, इसको मैं अलग बनाता हूँ यहाँ पे। रफली अगर आप इस पहली स्ट्रेट लाइन को देखो तो इस तरह बन रही है, ये बन रही है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? अगर आपको याद हो पहली स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन क्या था? अबव था। तो इसके अबव ये वाला पूरा रीजन है, ये पूरा अबव का रीजन है। आप यहाँ पे भी आ जाओ, पूरा पूरा अबव पूरा है, इसी तरह नीचे भी आ जाओ, सारा अबव रीजन इसका आ रहा है। ये पहली बार इनइक्वालिटी है। दूसरी किस तरह बनी थी? दूसरी इस तरह बनी थी। तो मैं रफली अगर इसको बनाऊं तो तकरीबन ये इस तरह बनेगी, ठीक है। इसका भी रीजन क्या था? अबव था, इसमें भी आपने इसके अबव शेड करना है। इसके अबव का रीजन सारा ये है, गौर से समझ में बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है इससे। ये इसके अबव का रीजन है, लाइन की डायरेक्शन देखना सारी, ठीक है। इसके इस तरफ जा रही थी, उसकी मैंने थोड़ा अपर बनाई है, इसका सॉल्यूशन आ गया। और तीसरी लाइन इस तरह बनी हुई थी, तो अंदाजन तीसरी लाइन जो है वो इसके नीचे है, तो तकरीबन इस तरह बन रही है तीसरी लाइन। और इसकी आप डायरेक्शन देखो, मैं इस तरह बना रहा हूँ, और मैं इसके बाद आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा कंफ्यूज जाओगे, लेकिन आप जरा गौर से देखना है इसको। ये जो तीन है ना, एक ये वाली है, इसको मैं जरा डार्क कर देता ताकि आपको पता चले, एक ये वाली है और एक ये वाली। तो बच्चों गौर करो, यहाँ पे जब आप तीन इक्वालिटी को सॉल्व करोगे, शेडेड वाला रीजन कौन सा होगा? जो इनका कॉमन रीजन होगा, जो आपने यहाँ पे बनाना है ना, आपने वो वाला रीजन बनाना है जो इनका कॉमन होगा। कॉमन का मतलब क्या है? जहां पे तीनों डायरेक्शन की लाइन मौजूद हो। इसका क्या मतलब है? अगर आप इस वाले रीजन को देखो, छोटा सा रीजन है, अगर आप देखो इसमें एक ही किस्म की वर्टिकल लाइन है इस तरीके से, इसमें बाकी लाइन नहीं आ रही। क्यों? ये छोटा सा रीजन जो है ना, ये वाला छोटा सा, ये सिर्फ इस लाइन का सॉल्यूशन है। ये जो लाइन बनी हुई ना टेढ़ी सी, ये इस लाइन का सॉल्यूशन था कि अबव वाला। तो ये छोटा सा वाला रीजन जो है ना, सिर्फ एक लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी लाइन पे आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही बात। इसी तरीके से अगर आप इस वाले रीजन को देखो, ये वाला पूरा रीजन जो है, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पूरा रीजन। आपको क्यों वाला लाइन यहाँ पे नजर नहीं आ रही? आपको वो वाला रीजन ढूंढना है जहां पे तीनों किस्म की लाइन आपको नजर आ रही है। वो वाला कौन सा रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये वाला रीजन है, यहां से स्टार्ट होता है। अगर आप देखो, ये वो रीजन है, मैं बाउंड्री बना रहा हूँ इसकी, ठीक है। आप इस रीजन के बाद देखना जिस पे आपको सारी वर्टिकल लाइन नजर आ रही होगी, इसको इस तरह बनाते हैं। ये जो मैंने ब्लू रीजन बनाया ना, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये बाउंड्री है, इसके ऊपर अगर आप देखो आपको तीनों किस्म की लाइन नजर आ रही है यहाँ। जैसे ये डायरेक्शन की लाइन में नजर आ रही है, इस डायरेक्शन की लाइन में नजर आ रही है, और इस डायरेक्शन की लाइन में नजर आ रही है। थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए शायद ऑनलाइन, मुझे नहीं पता। समझ आ रही है बात जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। कंफ्यूज तो नहीं है सारे के सारे? बाकी को भी समझ आ रही है मेरी बात? देख मजीद में बताता हूँ, फिर बताना मुझे। जो सॉल्यूशन ठीक नहीं है, जैसे ये वाला रीजन देखो, ये नहीं है गलत। क्यों? इसमें एक ही लाइन है, इसको यहां से हटा देते हैं, ये काम का नहीं है, एक ही वर्टिकल लाइन है। इसी तरह ये वाला सॉल्यूशन देखो, ये भी हमारे काम का नहीं है, एक ही है। इसी तरह इस वाले रीजन को देखो, यहाँ पे दो किस्म की लाइन है, एक इस टाइप वाली और एक इस टाइप वाली, लेकिन तीसरी लाइन नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारे काम का रीजन नहीं है। अगर आप इस छोटे से रीजन को देखो, ये वाला रीजन जो है ना, ये दो स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक इस वाली को एक इस वाली को, लेकिन इसके नीचे है ये, तो नीचे वाला सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये वाला रीजन जो है, ये भी हमारे काम का नहीं है। हमें वो रीजन देखना है जिसमें तीनों कॉमन हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रीजन है ना, ये छोटा वाला, ये आपके काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि ये इस लाइन के बिलो आ रहा है। बिलो वाला तो हमें एक्सेप्ट नहीं है, हमें सबका अबव देखना। इसी तरह ये वाला रीजन जो है, ये जो पूरा रीजन है, ये तो सब लाइन के नीचे आ रहा है, इसको वैसे सेटिस्फाई नहीं करवा सकते। ये वाला रीजन जो है, ये भी नहीं आप हो सकता, क्योंकि इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के भी नीचे है, आप नहीं कर सकते। इसी तरह ये वाला रीजन जो है, ये भी नहीं हो सकता, ये इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के भी नीचे है। आपने वो रीजन देखना है जो सब लाइन उसको सेटिस्फाई कर रही हो, और वो सब वाला मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। वो सब वाला ये यहां से स्टार्ट होगा। अगर आप देखो इस रीजन को सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैसे अभी मैं बताता हूँ। सिर्फ इस रीजन को देखते हैं आप, देखो ये जो लाइन थी, किधर लाइन गई है? हाँ, ये वाला लाइन जो है, ये इसके अबव है रीजन, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये जो लाइन है, इसके भी अबव है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। और ये जो लाइन है, इसके भी अबव है, इसका मतलब ये रीजन सबको सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसी तरह इस पे आते हैं, अगर आप देखो ये भी रीजन सबके अबव है। इसी तरह आप यहाँ पे आ जाओ, ये रीजन जो बच्चों पूरा है ना, ये मैंने शेड किया। अगर आप देखो, ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों स्ट्रेट लाइन के अबव रीजन, ठीक है।
और ये पूरा चलता जाएगा आगे। आंसर बनाओ, ये पूरा शेडेड रीजन यहाँ पे कुछ भी आप पिक कर लो, सब यहाँ पे सॉल्यूशन है। समझ आइए बात सबको आप मेरी? यस सर। जब तीन इक्वालिटी को ड्रॉ करते हो ना, तो आपको इंटरसेक्शन वाला रीजन देख रहा होता है। ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है जिसके तीनों के सॉल्यूशन आए थे। बस एक आखिरी बात बताता हूँ, ये इनक्वालिटी भी थी आपकी, ये इनक्वालिटी जो है ना, ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में तंग करती है। इन द सेंस इनका मतलब क्या होता है कि जो आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें वेरिएबल नेगेटिव नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, पॉजिटिव ही होती है। तो दैट्स व्हाई जब ये वेरिएबल्स एक्स और वाई किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। आप हमेशा उसको क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। तो जब ये वाली चीज आ जाए ना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपका रीजन जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो अगर आप देखो, ये जो वाई एक्सिस बन रहा है ना, ये वाई एक्सिस था पूरा, ये डायग्राम में ये पूरा वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के इस तरफ वाला रीजन आपको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन चाहिए। तो ये वाई एक्सिस के जो इस तरफ था वो मैंने हटा दिया। तो बाउंड्री क्या होगी? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से पीछे नहीं आप जा सकते, क्योंकि आपने ये जो चौथी चीज है इसको भी सेटिस्फाई करना है। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है ना। इसी तरीके से अगर आप इसको ग्राफ को जरा आगे बनाओगे ना, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के नीचे जा रही थी, यहाँ पे आपको नजर आएगा। अच्छा, ये एक्स एक्सिस था ना, ये पूरा एक्स एक्सिस था। तो अगर आप इस लाइन को देखो, ये लाइन नीचे जा रही है, तो नीचे वाला रीजन शेड नहीं करोगे आप, एक्स एक्सिस के ऊपर ही करोगे। ये वाला रीजन था जो मिटाना पड़ेगा आपको, आपको एक्स एक्सिस से ऊपर वाला करना है। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है। तो यहाँ पे देखो, असल में ये डायग्राम यहाँ पे खत्म हो गई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऊपर वाला रीजन होगा, ठीक है? ये पूरा रीजन जो मैंने शेड किया, अगर आप देखो, ये वाई एक्सिस से भी ऊपर है, एक्स एक्सिस से भी ऊपर है। ये आपका रिक्वायर्ड रीजन है जो यहाँ पे आपको शेड करना, ठीक है? किस तरीके से आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो? अब अगर आप बुक की डायग्राम देखो ना, ये बुक की डायग्राम है पेज नंबर 272 का। तो आपको अच्छे तरीके से बात समझ आएगी, आपको मजीद क्लियर भी होगा कि वाई एक्सिस के उन्होंने इस तरफ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस से ऊपर रखा हुआ है। आपको मजीद ये बातें वहां से क्लियर होंगी। तो जो पूरा रीजन आपने यहाँ पे बनाया, एग्जैक्ट बुक में वो डायग्राम खूबसूरती से उन्होंने बनाई है। दैट्स व्हाई मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, ताकि आप बुक में अच्छी डायग्राम देख के भी इसको समझ सकते हो, ठीक है? अब आखिरी, अगर आप लोग मुझे अलाउ करते हो, देखो एक मैं चीज आप लोगों को बता दूं, ये सॉल्व करना सबको आता होगा, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होगा। मसला हो सकता है शेड करने में, ठीक है? तो जो दूसरी एग्जांपल है ना, मैं आपको रफली उनके इंटरसेप्ट बता दूंगा, बाकी शेड करने पे मैं जरा फोकस करूंगा, ठीक है? तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, 10 मिनट और लगेंगे, टाइम थोड़ा अप हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मैं आप लोगों को फेयर करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसमें बच्चों टाइम बहुत लग जाता है। मैं सवाल लिखता हूँ और मेरा असल फोकस होगा सॉल्यूशन पे, जो शेडेड वाला रीजन है बहुत ज्यादा मसला करता है बच्चों को। ये है पहली इनइक्वालिटी, लेस देन 50। अच्छा, दूसरी है 8x प्लस 2y ग्रेटर देन 16, 3x माइनस 2y लेस देन 6, और आखिर में वही है जो पिछले सवाल में भी था। चलो बच्चों, सबसे पहली को अगर देखें ना, यहाँ पे इक्वेशन है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। जब इसका x इंटरसेप्ट निकालोगे ना, x इंटरसेप्ट आएगा y को 0 पुट करके, x इंटरसेप्ट आ जाएगा 10,0, निकाल लेना। और y इंटरसेप्ट जब निकालोगे तो आएगा 0,5। अच्छा, अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, 8x प्लस 2y इक्वल टू 16। इसमें जब आप x इंटरसेप्ट निकालोगे तो आएगा 2,0, और y इंटरसेप्ट निकालो तो आएगा 0,8। इसी लाइन की बात करते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे उसको 0 करके तो 2,0 आएगा, और y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0,-3 आएगा। जरा इसको ड्रॉ करते हैं जल्दी से। अच्छा जी, 10,0, 5,0 और नेगेटिव आ रहा है। तो स्केलिंग अब इस टाइप की करते हैं, वही पहले जैसे करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पे नेगेटिव में भी चाहिए आपको, नेगेटिव y में, तो 2, 4, क्योंकि नेगेटिव वाई भी आ रहा है ना यहाँ पे, तो हमें जरूरत पड़ेगी 12। 10,0 यहाँ पे आ रहा है, 5 बच्चों दरमियान में आएगा यहाँ पे। ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट लाइंस को। अच्छा जी, 2,0 यहाँ पे आएगा, 0,8 यहाँ पे आएगा, इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अच्छा, 2,0 यहाँ पे आएगा और 0,-3 यहाँ पे आएगा के दरमियान, तो आप जरा इसको ड्रॉ कर दो, सही है?
तो सबसे पहली लाइन को हम देखते हैं, ये जो लाइन है ना, हम देखते हैं कि नीचे वाला सॉल्यूशन आ रहा है या अबव वाला आ रहा है, मतलब ओरिजिन बिलो में ना, बिलो आ रहा है या अबव आ रहा है। तो आप ओरिजिन पुट करो इसके अंदर, जब आप यहाँ पे ओरिजिन पुट करोगे यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, और स्टेटमेंट बनेगी जीरो इज लेस देन 50, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आपने बिलो वाला इसमें शेड करना है। तो ये इस लाइन के जो बिलो वाला रीजन है वो मैं शेड कर देता हूँ। दूसरी लाइन हमारी कौन सी थी? दूसरी वाली लाइन ये वाली थी जो इस तरह थोड़ी वर्टिकल टाइप की है। अब इस लाइन की बात करते हैं, इस लाइन के बिलो में ओरिजिन आ रहा है, तो देखते हैं क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे जीरो जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा जीरो इज ग्रेटर देन 16, जो कि स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस लाइन के बिलो वाला रीजन नहीं होगा, अबव वाला होगा। इस लाइन के अबव वाला रीजन मैंने शेड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन की बात करते हैं, ये लाइन जो है ये इस तरह बनी हुई है। अब इसके बिलो में ओरिजिन नहीं है, इसके अबव में ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन देखो यहाँ पे और ये लाइन इधर बनी हुई है, तो इसके अबव में ओरिजिन है। जरा देखते हैं ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो जीरो ये हो जाएगा जीरो इज लेस देन 6, स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन के अबव ओरिजिन है, तो आप अबव में शेड कर दो। ये तीनों काम कर दिए आपने, ये आपने रफ में करना है, फाइनल में आपने जो ओरिजिनल है वो ड्रॉ करना है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे रीजन कौन कौन से, अगर आप इस वाले रीजन को देखो, बाउंड्रीज जो असल रीजन है वो ये वाला है, ये असल में ट्राइंगल बन रही है इसका सॉल्यूशन। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको जरा वैसे बताता हूँ कि बाकी रीजन में क्यों शेड नहीं कर रहा। इसके अगर नीचे आओ आप तो आपको दो किस्म की लाइन नजर आ रही है, अगर इसके नीचे आओ तो एक इस डायरेक्शन में लाइन जा रही है और एक इस डायरेक्शन मतलब नीचे आ रही है, तीसरी लाइन आपको नजर नहीं आ रही, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आप इस रीजन में आओ तो आपको दो किस्म की लाइन नजर आ रही है, एक इस टाइप की जा रही है एक इस टाइप की जा रही है, तो ये वाला पूरा सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। अगर आप इस लाइन से ऊपर आओ तो अगेन आपको दो किस्म की लाइन नजर आ रही है, एक इस तरह जा रही है एक इस तरह जा रही है, इस पूरे रीजन में अगेन तीन लाइन नहीं है। इसी तरह इस रीजन में आओ तो आपको एक ही किस्म की लाइन नजर आ रही है यहाँ पे। अगर आप इस रीजन में आओ ना तो इस छोटे से रीजन में आपको तीनों किस्म की लाइन नजर आ रही है। देखो जो नीचे आ रही है एक इस किस्म की लाइन है जो नीचे आ रही है, ठीक है, एक इस किस्म की लाइन है जो ऊपर जा रही है, ये भी आपको इस रीजन में नजर आएगी, और एक इस किस्म की लाइन है जो इधर जा रही है। कहने का मतलब ये जो पूरा रीजन है ना, इस पूरे रीजन में तीनों किस्म की लाइन आपको नजर आ रही है, उसका मतलब ये इनका कॉमन रीजन है, सही है। और अच्छी बात यहाँ पे क्या है, जो कॉमन रीजन है ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही है, तो मतलब आपको जो चौथी इनइक्वालिटी थी उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रीजन आ रहे हैं ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहे हैं, ना ये ऐसे नीचे है ना ये इधर है, इसका मतलब कोई मसला नहीं है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन है, और अगर आप बुक पे देखो पेज नंबर 273 पे, तो आपको एग्जैक्ट ये रीजन पूरा नजर आ रहा होगा। मजीद अच्छी अगर आपने डायग्राम करनी है ना तो इन लाइंस को नाम दे देना, मतलब इक्वेशन लिख देना इन लाइंस के ऊपर, ताकि याद रहे कि इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन क्या थी, सबकी इक्वेशन लिख देना आप लोग, ठीक है। सबको अगर समझ आ गया तो दैट्स इट, आज की क्लास में इतना ही करना है हमने, बाकी सारा कल देख लेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। तो 9.1 अगर आप देखो ना तो मैंने पूरी सॉल्व करवा दी है, एक क्वेश्चन भी नहीं करवाया लेकिन सॉल्व है पूरी। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वही एक वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और नंबर लाइन पे लिखो, मैंने बता दिया। दूसरे में लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी, जो मैंने आप लोगों को बताया था एक लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे ड्रॉ करना है वो भी कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और 4 में भी यही है लिखा हुआ है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन रीजन, अगेन वही बात है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, अगेन तीन तीन इनइक्वालिटीज हैं इसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज लिखी हुई है, ऑल्सो चेक वेदर द ग्राफ इज बाउंड और नॉट। ये आखिरी बात बताता हूँ फिर क्लास एंड है। बाउंड का मतलब ये होता है, अगर आप देखो तो ये रीजन जो है ये तीनों हर तरफ से बाउंड हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में बाउंड्री रीजन वो होता है कि जिसको आप किसी शेप के अंदर इनक्लोज कर सकते हो। जैसे इस रीजन को मैं इस तरह कंसिडर कर लो, एक स्क्वायर के अंदर लिख सकता हूँ ना, इस रीजन को आप क्या बोलोगे, बाउंड्री रीजन है। अगर आप पहले एग्जांपल देखो ना, जो लास्ट जो पहले से करवाया था उसका रीजन कुछ इस टाइप का था, मुझे इक्वेशन याद नहीं रही, कंसीडर कर लो इस टाइप की इक्वेशन थी और रीजन इस टाइप का आ रहा था, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं था, एक्स एक्सिस से ऊपर था और इस तरह आ रहा था, ये कुछ सवाल था वाई एक्सिस किस तरह था, ये पूरा रीजन था, ठीक है। तो ये वाला रीजन बाउंडेड नहीं है, कैसे बाउंडेड हो सकता है, क्या आप इसको किसी शेप के अंदर लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये तो ये पूरा रीजन इस तरह जा रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के इस तरह जा रहा है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता जाएगा, इसको आप किसी शेप के अंदर इनक्लोज नहीं कर सकते, इनफाइनाइट रीजन है, इसको आप बोलोगे ये अनबाउंडेड है, जबकि इसको आप बोलोगे बाउंड है। दिखने में भी आपको लग रहा है कि चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है, जबकि इसको बाकी तरफ से घेरा हुआ है लेकिन सामने से साइड से घेरा हुआ है, अब इसको अनबाउंडेड बोलोगे।
तो 9.1 आपकी होगी, 9.2 में भी यही काम करना है आपको, बस उन्होंने वर्ड बोला था फीजिबल रीजन, काम एग्जैक्ट यही करना है। तो समझो 9.1 9.2 होगी, कल मैं बता दूंगा मजीद इसके बारे में जब भी हमारी दोबारा क्लास होगी, और फिर 9.3 9.4 सॉल्व करेंगे। सही है बच्चों, कोई सवाल किसी का, कोई मसला?